आया नहीं सर अरे अब की बार तो एक आपका दूसरे बीमार थे, राजदीप आपकी बार भाई तो ये एक पार हो गए ना, आपकी बार तो इन्होंने वो पिछली बार वो लेडीज़ खाई है। अच्छा इस बार 1 महीने हमारा पूरा 1 महीना ना बेड पे ही निकल गया। बहुत ज्यादा वो प्रॉब्लम हो गई थी तो पूरा 1 महीना बेड पे निकल गया, 15 अप्रैल 13 अप्रैल से लेके 13 14 15 मई तक। तो इस चक्कर में कुछ भी जो करना चाहते थे ना कुछ नहीं हो पाया, केवल रेस्ट हो पाया कि चलो रेस्ट करते हैं फोर्सफुली। अभी तो है अभी भी एक हफ्ते का, अभी भी एक हफ्ते का लॉकडाउन है सुमित जी। हाँ फिर मिल गया, 1 हफ्ता और मिल गया। नमस्कार मैडम, एक नमस्कार, हफ्ते, अच्छा मैडम भी आ गए हमारे। नमस्कार जी, नमस्कार जी मैडम, नमस्कार नमस्कार मैडम, मैडम, नमस्कार मैडम, नमस्कार जी, कंट्रोल नमस्कार मैडम जी। हाँ में होगी दिल्ली में पहुंचे अब तो, कंट्रोल आप तो काफी, नहीं लॉकडाउन तो एक हफ्ता बढ़ गया बट कंट्रोल में आ गई काफी चीजें। में है ना। ठीक है जी, हाँ बट आईसीयू बेड की डिमांड अभी भी पूरी है, मतलब आईसीयू बेड थोड़ा मुश्किल से मिल रहा है, बट ओवरऑल ओवरऑल सिचुएशन जो है मतलब पहले से बहुत बेहतर है। हाँ पहले तो वैसे बहुत ही गड़बड़ हो गई थी ना एकदम। अभी 1 वीक और कर जो मिल गया ना लॉकडाउन, तो उसमें कहीं ना कहीं इम्प्रूव होगी सिचुएशन और ये मई एंड तक जाएगी अब जाएगा। सुमित भाई मेरे हिसाब से अगले हफ्ते तक ये सिचुएशन जो है वो 6,000 वाली 1,000 से नीचे आ जाएगी। अभी नहीं, अभी फिलहाल नहीं असल में ये है ना सर, अभी लॉकडाउन का इम्पैक्ट आना स्टार्ट हो गया ना। लॉकडाउन 17 अप्रैल को लगा था दिल्ली में, 25 दिन के बाद या 20 या 25 दिन के बाद इम्पैक्ट आता है, वो इम्पैक्ट अब दिखने लग गया है। हरियाणा में भी लॉकडाउन अब 1 हफ्ते का बढ़ा दिया ना। हाँ जी यूपी में भी बढ़ गया भाई, सभी जगह सारी तो जगह, 24 तक, 24 तक तो सब हिमाचल जगह, में ही बढ़ गया जी, 24 तक हो गया, 24 तक सब जगह चलेगा, अभी कहीं नहीं रोकेगा 24 तक। यूपी में भी बढ़ गया, राजस्थान, मतलब हर जगह पैरेलल कर रहे हैं कि 24-25 तक मई एंड तक तो ले ही जाना है। वैसे प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल हाँ प्रैक्टिकली दिल्ली में कोई लॉकडाउन नहीं है, सिर्फ दुकानें बंद है। अगर आप सड़कों पे देखोगे तो उतना ही ट्रैफिक है और पूरा पूरी तरह से जाम भी लगा हुआ है कई जगह पे, तो इसीलिए तो सिचुएशन खराब हो जाती है सर। प्रैक्टिकली जो है सिर्फ दुकानें बंद है, ये एक प्रॉब्लम है, बाकी तो सब कुछ चल ही रहा है दिल्ली में। फायदा क्या, खाली शॉप बंद करने से क्या फायदा, उनका बिजनेस इफेक्ट हो रहा है बस, और तो कुछ नहीं। हाँ मैडम सही कह रहे हो, बिजनेस राइट, प्रोफेशन इम्पैक्ट कर रहा है, अदरवाइज मूवमेंट सारी ओपन है। क्लाइंटों को बहाना मिल गया मैडम, फीस नहीं देंगे क्लाइंट। ओवरऑल इकोनॉमी भी तो सोचती है अपना, तो ठीक ये है वैलिड क्वेश्चन है बाकी। विजय भाई, ये वैलिड क्वेश्चन है कि क्लाइंटों को बहाना मिल गया कि फीस नहीं देनी इस साल। लॉकडाउन का बहाना है सबसे सीधा सीधा, हाँ जी हाँ जी। नाम एलवेन साहब करें स्टार्ट, भारत हाँ जी जी हाँ, ठीक है तो स्टार्ट कीजिए। हाँ कर सकते हैं करो स्टार्ट। जी पवन जी, हेलो, भारत जी करें स्टार्ट। हाँ स्टार्ट करो। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आई सी ए पवन मित्तल, वाइस चेयरमैन हिसार ब्रांच, वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ हिसार ब्रांच ऑफ एनआईआरसी ऑफ आईसीआई। टुडे वी हैव विद अस सी ए अविनाश गुप्ता जी, चेयरमैन एनआईआरसी, सुमित गर्ग जी, मेंबर एनआईआरसी, चेयरमैन एनआईआरसी एज चीफ गेस्ट, एंड डॉक्टर निधि बंसल जी फ्रॉम दिल्ली एज गेस्ट स्पीकर। आई वेलकम अविनाश जी एंड डॉक्टर निधि जी ऑन बिहाफ ऑफ हिसार ब्रांच ऑफ एनआईआरसी ऑफ आईसीआई। आई ऑल्सो वेलकम टू members, dear students, and all the attendees of the meeting. We are facing the worst situation as COVID-19 has derailed our life completely. All new channels, social media are full of negative news. Situation बहुत खराब है, इसलिए हमें हौसले और हिम्मत से काम करने की जरूरत है। किसी कवि की दो पंक्तियां मैं यहाँ शेयर करना चाहूंगा। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून दिल में जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, तो वो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। हमें भी आज उसी तरीके से सब बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क लगाना हो, बार बार हाथों को धोना हो, मतलब हर वो सावधानी जिससे हम इस महामारी को हरा सकें। और इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए ब्रांच की ओर से हमने हेल्थ इज वेल्थ, जो कि एक साप्ताहिक कार्यक्रम है, के अंतर्गत आज की ये वर्चुअल मीटिंग रखी है। इसमें डॉक्टर निधि बंसल जी हमें गुड और बैड पोस्चर्स एंड एर्गोनॉमिक्स आदि के बारे में गाइड करेंगे। विदाउट टेकिंग सो मच टाइम, आई वुड लाइक टू इन्वाइट सी भारत जैन जी, चेयरमैन ऑफ द ब्रांच, फॉर हिज वेलकम एड्रेस। हैंड ओवर टू भारत जी।
थैंक यू पवन जी, respected senior members of our branch, our chief guest of today, CA Avinash Gupta ji, chairman NIRC, CA Sumit Garg ji, NIRC member, and other senior members, junior members, my friends, ladies and gentlemen, a very good afternoon to all. It is my immense pleasure to welcome you all on behalf of our branch of NIRC in this program, Health is Wealth. Today is fifth day of our program of Health is Wealth. I welcome our chief guest, CA Avinash Gupta ji, NIRC, who gave us time on a very short call. Sir, very welcome to you. Avinash Gupta ji, Avinash Gupta ji is a fellow member in international taxation and आवाज आ रही है मेरी? कट कट के आ रही है बार दो भाई। आपका बैंडविड्थ प्रॉब्लम है, आई थिंक या तो वीडियो ऑफ करके बोलो तब आपकी ठीक है। गगन जी एक बार आप देखिएगा, वो डॉक्टर साहब का भी फोन आया मेरे पास अभी, उनको भी आवाज की प्रॉब्लम है। एक्चुअली में उनकी भारत की साथ बैंडविड्थ लो है थोड़ी, इंटरनेट की उनकी बैंडविड्थ लो है थोड़ी। आप देखना, आप सही लग रहा है मेरा ना? जी हां, आप ठीक है। ऑफ करके उनके पास भी नहीं जा रही आवाज ना? नहीं तो भारत के एक्चुअली सभी के पास थोड़ा ब्रेक होके आ रही है, क्योंकि वो बैंडविड्थ तो नहीं, मेरी आवाज भी नहीं गई उनके पास। नहीं आपकी क्लियर बैंडविड्थ आप क्या आ रही है पवन जी? इधर मेरे बीच में स्लो हुई थी। पवन जी आपकी परफेक्ट है। पवन जी जब आप जब मैडम बोलेंगी तो हम सब लोग अपनी वीडियो ऑफ करेंगे, उससे भी बैंडविड्थ प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ठीक है जी प्लीज भारत जी कंटिन्यू। अविनाश जी सर वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू। आई ऑल्सो वेलकम आवर टुडे स्पीकर जी, graduate from MDU Rohtak. She has completed her master degree from GJU Hisar. She is also a diabetic educator. Madam, a very much welcome to you on our Hisar branch platform. मैं सभी को आज बताना चाहूंगा कि हमने ये हेल्थ इज वेल्थ का एक प्रोग्राम रखा जिसका है और जिसमें टोटल 6 सेशन है आज, काफी इससे फायदा उठा रहे हैं। इसमें हमने योगा भी रखा है, एरोबिक्स भी, डांस भी, और जो रेगुलरली जुड़े हैं और अब भी जुड़े हुए हैं विजय मित्तल जी से, विजय मित्तल जी बहुत रेगुलर मेंबर रहे हैं इसमें हमारे, जो लगातार जुड़ते रहे हैं ना। पवन जी टू यू। थैंक यू भारत जी। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अविनाश गुप्ता जी टू शेयर हिज व्यूज विद अवर मेंबर्स। Thank you, Pawan ji, respected chairman of the branch, Bharat Jain ji, immediate past chairman, Asha Jain ji, vice chairman of the branch, Pawan Mittal ji, and treasurer of the branch, Rajdeep ji, my council colleague from Regional Council NIRC, Sumit Garg ji, today's speaker of the day, Dr. Nidhi Bansal ji, and all other members, Vijay Mittal ji, and other members, very good afternoon to all of you. So when Bharat ji called me and asked me to address all of you on this topic, then I said that I am not the expert doctor or anybody on this topic, but he still insisted me to come as a chief guest. So I think we need to listen more from Nidhi Bansal ji. And when I see her profile, that she is a certified diabetic expert. So Nidhi ji, my sincere request to you is that in your session, apart from your yoga and posture, please educate us on diabetes also, that how we can help, how we can be away from the diabetic, or those who are having this diabetes problem, what are the things they should do in their life so that they will have lesser impact of the same. Because you know, most of our chartered accountant brothers, they used to sit in their office, and many of them are diabetic patients. So we just need to take some benefit of your expertise in this area, and then we want to have your views on that. Apart from that, your NIRC, I just would like to highlight 2-3 things to you. Your NIRC is working in this COVID pandemic, and I am happy that all the branches of NIRC is also working very hard, and I congratulate the Hisar branch under the able leadership of Bharat Jain ji. They have organized wonderful programs
not only virtually but physically also, like vaccination camp is being organized in Hisar branch, and I am told by Bharatji that in the near future also he is again organizing the vaccination program for 45 plus, and then whenever the government allow for 18 to 44 also he will be organizing. So my sincere thanks to the office bearers of the Hisar branch under the able leadership of Bharatji, that you are doing wonderful job and you are taking Hisar to new heights, new things have been done. These program Health is Wealth is also really very good. Apart from this, your NIRC is also doing certain program on Monday, that is tomorrow, 3 to 5, we have very good program on eye care. You know that this black fungus is another disease which have come in this COVID time. So tomorrow we are organizing one webinar from 3 to 5, whereby we requested Padam Shri Dr. Mahipal Sachdev, who is the managing director, chairman and managing director of Center for Sight. He is with us to discuss about what are the precautions, how we can detect and related problems of this black fungus, as well as the normal eye care during the COVID times and otherwise. And we are also doing this activity tomorrow at 3 to 5. We have already done for one session with gynecologist, one session with COVID expert. In this time, we are doing tomorrow a program with the eye care. Then we will have one program with the diabetologist. Then we'll have one program with the cardiologist as well in the due course that we will announce it. Apart from this health program, we are also organizing certain program on the technical topics like blockchain, which is one of our flagship program that we did it. We also did a yoga session with Swami Ramdev Ji, which was a super hit. More than 13,000 participated live, and about 8,000 people have watched it on the YouTube. So that is there. In the due course, we have planned more 3 programs, which is a big program on motivation and other things like that. And you will get the information in the due course. My request to the chairman and entire branch managing team is that please, whatever program NIRC is organizing, please circulate in your branch. Though at NIRC level, we are doing it. So any member, if they want to take benefit of the same, they can do it. Today morning, our NIRC team, NIRC, by way of a resolution, we have also requested our president to give financial assistance to all the members who are no more or who left us in this COVID pandemic. So financial support is being demanded by team NIRC to the extent of rupees 10 lakh for all the members below 60 years of age. Though we cannot fill the vacancy in the families, but yes, some kind of a financial assistance should be given to the members. So that's why your team, NIRC, have requested the Central Council and the President to do it. The second most important thing which is required is vaccination. So we have also requested that at central level, our institute should talk to the Government of India and make certain arrangement like what Bar Council have done for their members, that there should be some kind of a program whereby we vaccinate our CA members as well as their family members within the age group of 18 to 44. So 45 plus have already been done by the government, but this group is a large group and most of our members are there in this bracket. So we need to help them. So for that also we have requested, let us see how it will be taken care by the Center Council. But at NIRC level, we are already running a vaccination camp daily for co-vaccine as well as Covishield for 45 plus. Covishield, we are starting from Tuesday. And for 18 to 44 also, we are in the process of making an arrangement. So whenever the vaccines will be available in Delhi, so we will do it. And I request the branch also to take up this matter with the local authorities, maybe paid, maybe free, whatever way it is, but we have to vaccinate. And this is the only way we can come out of this COVID pandemic. So jo vaccine ke liye aap please kaam kijiye, aapko NIRC se koi madad chahiye, so please hame bataiye, we will also try to help it. Iske alawa, if you need any other assistance, any other support from the NIRC, so we will be available. We are working 24/7. If anything is required, please come to us either directly or through the branch chairman or any of the branch managing committee member. So you are all welcome. So with this, thank you very much for giving me this opportunity to interact with the members of Hisar. Aur Hisar aake to sir lagta hi nahi hai ki kahin hum bahar aaye hain, to apna ghar hi hai. Most of the members I know personally. I have been to their office or their offices personally. तो इसलिए बिल्कुल जो है अपना घर की तरह ही लग रहा है. और थैंक यू वेरी मच भरत भाई फॉर इनवाइटिंग मी टुडे. थैंक यू.
Thank you, sir. Thank you, Avinash ji, for your word of wisdom. Now I would like to request the Sumit Garg ji and Ash member to say a few words. Thank you, Bhavan ji, for giving me opportunity. As Avinash ji, chairman NIRC, has already told us about the activity of NIRC, so I am not touching upon this thing. And definitely your team NIRC is doing wonderful work in this situation. And today's representation to the president will definitely, we will try to be implemented so maximum benefit can get the members. And this is the important sessions we are organizing, like health is wealth. In this session, definitely we will get some fitness tips and some motivational tips as well, so that we can keep yourself mental motivated. बिकॉज इस समय कहीं ना कहीं ये इम्पोर्टेंस है कि हम अपने आप को मेंटली फिट कैसे रख सकें, क्योंकि योगा के माध्यम से और योगा हेल्थ इस तरह के टिप्स जो हमें मिलते हैं, इनसे हम अपने आप को अपडेटेड रखेंगे तो आधी बीमारी तुम्हारी वहीं ख़त्म हो जाती है. तो बी स्टे पॉजिटिव, नॉट इन टर्म ऑफ कोरोना बट इन टर्म ऑफ मेंटल फिटनेस, एंड लर्न इन दिस सिचुएशन. We always try to learn in this, क्योंकि कहीं ना कहीं सी ए प्रोफेशन चैलेंजेज में अपॉर्चुनिटी जनरेट करने का एक काम करता है. लास्ट ईयर भी हम लोगों ने इतनी प्रॉब्लम फेस करी, उसके बाद किस तरह अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया, और जल्दी ही इससे भी हम जीत हासिल करेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे. विद दिस वर्ड आई थैंक्स टू चेयरमैन भरत जी फॉर योर लीडरशिप. हिसार ब्रांच ऑलवेज do the wonder, and vice chairman, immediate past chairman Asa ji, and many all members, senior members, and my friends are there. So thank you very much for giving me time. Thank you. Thank you, Sumit ji. Thank you, Sumit ji. Thank you so much, sir. Now, without taking so much time, I would like to request today's guest speaker, Dr. Nidhi Bansal ji. Nidhi ji, please start. So good evening, everyone. First, I would like to thanks. To all of you, Mr. Avinash Gupta ji, Mr. Bharat ji, Mr. Pavan ji, and all of your entire CA team, Hisar, to invite me on this platform. Today, I would like to present a short discussion on postural correction and ergonomical advices, basically for professionals. And I just share my screen with the PPT. Just a sec, please. I think it's disabled again. So, first thing, ergonomics and posture. Ergonomics and posture is required basically. ये आई थिंक स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है पीपीटी. पवन जी देख पा रहे हैं पीपीटी? गगन जी आप देखना मैम का. हाँ मैं देखता हूँ. गगन जी हाँ अभी देख रहा हूँ. आई थिंक ये स्क्रीन शेयर का राइट देना पड़ेगा आपको यहाँ से ना. जी नहीं एक्चुअल में वो को होस्ट हैं तो उनके पास सभी राइट्स हैं. अभी वो It starts. We can see your screen, madam. Now we can see. Yeah. Yes. Yes. Thank you so much, sir. So first thing is ergonomics and posture. Ergonomics and posture is basically required to improve our safety, our comfort zone. एंड अगेन जब हम एक कम्फर्टेबल लेवल में आ जाते हैं, हमारे कम्फर्ट जोन में आ जाते हैं, तो हमारी प्रोडक्टिविटी और एफिशियंसी भी इम्प्रूव हो जाती है. तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट है पोस्चर. पोस्चर कैसा होना चाहिए? तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि पोस्चर होता क्या है. इट इज द पोजिशन ऑफ योर बॉडी वेन यू आर स्टैंडिंग, सिटिंग और स्लीपिंग. जो पोस्चर है हमारा, जो पोस्चर है हमारा वो इस तरह का होना चाहिए कि जिससे कि आपकी जो स्पाइन है दैट शुड बी अलाइंड विद योर हेड, योर शोल्डर एंड हिप. दैट इज योर पोस्चर.
बट क्या होता है कि अभी का जो टाइम है, ये जो पेंडेमिक है और जो लॉकडाउन है, इसकी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक लॉन्ग आवर सिटिंग देते हैं अपने वर्क फ्रॉम होम की वजह से, तो हमारा जो पोस्चर है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है. एक गुड पोस्चर मेंटेन करना बहुत ही डिफिकल्ट हो गया है हम लोगों के लिए, क्योंकि कभी हम लॉन्ग सिटिंग में बैठ नहीं पाते हैं, तो हम कभी साइड बेंड करते हैं खुद को, कभी लेफ्ट साइड में, कभी राइट साइड में, या फिर हम लोग क्या करते हैं कि बेड पे लेट जाते हैं और अपने लैपटॉप को अपने पेट पे रख लेते हैं और इजीली जो है टाइप करते हैं, या फिर हमने अगर चेयर टेबल पे भी बैठे हैं तो आपकी जो नेक है वो एकदम आगे आ जाती है, अपनी बॉडी से पोक आउट हो जाती है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी बॉडी को स्ट्रेन्स देती हैं, पेन्स देती है. तो हमें इन्हीं चीज़ों के बारे में फर्स्ट पता होना चाहिए कि गुड पोस्चर क्या है, कैसे जो है वो आपके वर्क प्लेस पे आप अगर अडॉप्ट करते हैं गुड पोस्चर तो कैसे आपकी हेल्प कर सकता है. So first thing, I just compare the things, bad posture and good posture. जब भी हम एक bad posture में आते हैं तो सबसे ज़्यादा load जो है हमारा spine पे आता है. Spine पे जो है हमारी movements जो हैं वो restrict होने लगती है, reduce हो जाता है हमारा spinal motion, क्योंकि एक long sitting के बाद में जो आपकी muscles हैं वो tired होने लगती है और उसके अंदर lactic acid की deposition ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो movement है मसल्स की वो अफेक्ट होती है. और क्योंकि मूवमेंट जॉइंट्स को कनेक्ट करता है, तो क्योंकि क्या होता है कि आपकी जो मसल्स हैं वो आपकी स्पाइन को कनेक्ट कर रही है. सारी जो वर्कआउट है हमारा वो मसल से ही होता है और मसल्स ही बोन्स को होल्ड करके रखती है. तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हमारी मसल्स में आएगी तो डेफिनेटली वो आपके स्पाइन को भी अफेक्ट करेगी, बाकी सब बोन्स को भी अफेक्ट करेगी. तो जब हम स्पाइनल मोशन की बात करते हैं तो मसल्स क्योंकि टायर्ड है, एक शॉर्टेंड आपका जो है पोस्चर अडॉप्ट कर लेती है, तो इसकी वजह से आपकी स्पाइनल मोशन भी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है. सेकंड पार्ट इज योर नेक एंड बैक पेन. नेक एंड बैक पेन जो है बहुत ही कॉमन चीज़ है. जब भी हम काम करते हैं लैपटॉप पे या फिर किसी भी स्क्रीन पे, तो हम इस तरह से नेक को आपका जो है पोक आउट करते हैं. सर एक्सक्यूज मी सर, मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है. PPT. नहीं मैम, आपका वीडियो ऑफ है. आपके पास रिक्वेस्ट आ रही है, एक्चुअली आप वीडियो पे क्लिक कर दीजिए. ओके सर, तो नेक एंड बैक की अगर हम बात करें तो जो हमारी नेक है, जब हम काम करने लगते हैं लगातार तो हम भूल जाते हैं हम किस पोस्चर में बैठे हुए हैं, तो हमारी जो नेक है वो ऐसे पोक आउट हो जाती है, प्रोट्रूड हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो नेक एक्सटेंसर्स मसल हैं जो पीछे की तरफ होल्ड करके रख रही है नेक को, तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड इंक्रीज हो जाता है और ओवर स्ट्रेचिंग होती है नेक मसल्स की. और जो आगे है हमारे शोल्डर्स वो ऐसे राउंडेड शोल्डर पोजिशन में आ जाते हैं, जिससे हमारी पेक्टोरल मसल्स जो चेस्ट मसल्स हैं वो शॉर्टेंड पोजिशन में चली जाती है. तो इससे आपकी जो नेक है उसमें बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे अगेन सोरनेस, स्वेलिंग जो है मसल्स में बढ़ जाती है. और इसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि जब भी आपकी नेक प्रोट्रूडेड रहती है तो आपके जो ये सब ऑसिपिटल एरिया जो होता है, जस्ट हमारी इस एरिया में जो है ईयर्स के, ईयर लोब्स के जस्ट पीछे, यहाँ से हमारी सब ऑसिपिटल नर्व निकलती है और उसके ऊपर कंप्रेशन आता है, क्योंकि मसल्स जो है अपने स्पेस से बाहर निकल जाएंगी स्वेलिंग और स्पाज्म की वजह से, और वो नर्व को कंप्रेस करेंगी. आपने देखा होगा ज़्यादातर लोगों को आजकल नेक पेन, शोल्डर पेन, सर्वाइकल और हाथों में टिंगलिंग सेंसेशंस, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा रहती है. तो दैट इज़ ऑल बिकॉज, क्योंकि यहाँ पे नर्व का कंप्रेशन हो जाता है हमारे बैड पोस्चर की वजह से. तो उसके बाद में अगर हम बात करें बैक की, तो बैक में सेम अगेन आपका जो मसल है, मसल्स की अलाइनमेंट चेंज होती है, लिगामेंट्स की अलाइनमेंट चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से बैक पेन शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कॉन्टिन्यूस वर्क की वजह से मसल स्ट्रेन आने लगते हैं हमें. नेक्स्ट पॉइंट इज क्रोनिक फटीग. डेफिनेटली
ज्यादा टाइम तक आप वर्कआउट करेंगे किसी भी एक जगह पे बैठ के, तो आपकी जो मसल्स हैं उनमें फटीग आता है। बट ये फटीग हम इग्नोर करते हैं, हमारी आदत होती है कि थोड़े बहुत पेन्स अगर हमें हैं तो हम उन्हें इग्नोर करते हैं कि नहीं कोई नहीं सेटल हो जाएगा करके, और हम अपना काम कॉन्टिन्यूसली आगे करते रहते हैं, जिसकी वजह से ये जो फटीग है वो धीरे धीरे एक मसल से दूसरे में, दूसरे से तीसरे ग्रुप ऑफ मसल में ट्रांसफर होता रहता है, और ये एक कंप्लीट एक चेन बन जाती है फटीग की, जिसकी वजह से तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है फटीग का कि हम, हमारी इग्नोरेंस जो होती है पेन्स को लेके, वो धीरे 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 उसे बढ़ा देती है, पेन्स को फटीग क्रिएट करती है, और ये क्रोनिक कंडीशन में चला जाता है। क्रोनिक माने कि मोर देन 20 to 30 days अगर कोई भी चीज़ आपके बॉडी में सस्टेन कर रही है, कोई भी पेन सस्टेन कर रहा है, दैट इज अ क्रोनिक फटीग। देन अगर हम बात करें तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है देन अगेन वो पुअर हो जाता है। जैसे कि आप बैठे हैं 4-5 hours के लिए, तो आपका जो ग्रेविटी है वो असिस्ट करेगा, आपको नीचे की तरफ खींचेगा, आपके जो ब्लड सर्कुलेशन है वो पुअर इसीलिए होता है क्योंकि आपका ग्रेविटी जो है सर्कुलेशन को नीचे तो ले आता है, बट उसकी वजह से बाद में जब आप सोचे तो वो वापस ऊपर इजीली मूव नहीं करता है ब्लड हमारा, तो उसकी वजह से सर्कुलेशन इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। आपने देखा होगा कई बार आप बैठे हैं, आपका पैर सो जाता है, और या फिर टिंगलिंग सेंसेशन होने लगती है, दैट इज ऑल बिकॉज पुअर ब्लड सर्कुलेशन। अगेन लैक्टिक एसिड की डिपोजिशन जो कि टॉक्सिन कहलाता है हमारी बॉडी का, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसकी वजह से भी हमारा जो सर्कुलेशन है वो पुअर हो जाता है। एंड डिस्क हर्निएशन, डिस्क हर्निएशन जो है आज के टाइम की सबसे कॉमन बैक प्रॉब्लम है, जिसमें कि आपको जो है डिस्क हर्निएशन माने प्रोट्रूड हो जाती है, आपकी बाहर की तरफ निकल आती है, जो डिस्क होता है दैट इज अ कुशनिंग मटीरियल इन बिटवीन टू वर्टिब्राज बेसिकली, और ये कुशन जो है आपको बहुत ज़रूरी होता है, नेसेसरी होता है किसी भी मूवमेंट के लिए। आप जो ट्विस्ट कर रहे हैं या आप झुक रहे हैं, आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, तो जो आपका डिस्क है दैट इज अ कुशन एंड इट प्रोवाइड्स अ स्मूथ मूवमेंट इन योर स्पाइन। सो अभी के टाइम में 90% लोग ऐसे हैं जिनको डिस्क हर्निएशन होता है, मतलब वो डिस्क जो है आपकी रप्चर होके उसके जो फ्लूइड्स हैं वो बाहर आ जाते हैं, और जब कोई भी चीज़ अपनी अलाइनमेंट से बाहर आएगी तो डेफिनेटली आसपास के स्ट्रक्चर्स को वो कंप्रेस करेगी। और इस डिस्क हर्निएशन में यही प्रॉब्लम आता है कि जैसे अगर आपका कॉन्टिन्यूस सिटिंग रहती है तो डिस्क के ऊपर बहुत ज़्यादा कंप्रेशन आता है, दबाव आता है, और जब कोई चीज़ ज़्यादा दबेगी तो अपनी पोजिशन से हिल जाती है, वो रप्चर होती है, और उससे आसपास के जो नर्व्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, वो कंप्रेशन में आ जाते हैं, और ये एक रेडिएटिंग पेन आपको देती है। आपने सुना होगा सियाटिका इज अ वेरी कॉमन कंडीशन बैकएक की, आज के टाइम में ये बहुत ज्यादा लोगों को हो रही है, दैट इज ऑल बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम डिस्क हर्निएशन इज द कॉमन कॉज ऑफ योर सियाटिक पेन। सो दैट इज ऑल अबाउट अ बैड पोस्चर। नाउ वी जस्ट डिस्कस की गुड पोस्चर के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। इफ योर पोस्चर इज गुड तो यू फील मोर एनर्जेटिक, लुकिंग गुड, एंड अगेन डेफिनेटली अगर आपको पेन्स एक्स नहीं है, आपको बैक एक नहीं है, यू फील गुड, आपकी जो जॉइंट है वो एक प्रोटेक्शन में रहते हैं, जॉइंट अपनी पोजिशन में रहते हैं, सेंसेस में रहते हैं जॉइंट्स, एंड आपकी जो स्पाइन है वो भी प्रोटेक्टेड रहती है, किसी भी तरह की उसमें अलाइनमेंट चेंजेस नहीं होते या फिर कोई डिफॉर्मिटी नहीं आती। नेक्स्ट अर्गोनॉमिक्स, वॉट इज अर्गोनॉमिक्स। अर्गोनॉमिक्स बेसिकली इट्स अ साइंस एंड आर्ट टू ऑफ फिटिंग द वर्क प्लेस टू द वर्कर्स नीड। मीन्स हम अपनी वर्क प्लेस को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर देते हैं हमारी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। बेसिक जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है अर्गोनॉमिक्स अप्लाई करने का, दैट इज बेसिकली टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ इंजरीज एंड अगेन टेंशन ऑन योर मसल्स एंड योर बॉडी। सो इसीलिए हमें अर्गोनॉमिक्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम 25% जो है हमारी लाइफ का हमारे वर्क प्लेस पे स्पेंड करते हैं।
और अगर हम अर्गोनॉमिक्स अप्लाई नहीं करेंगे या पोस्चरल करेक्शन नहीं करेंगे तो उसकी वजह से हमें बहुत सारे हार्म हो सकते हैं, हमारी बॉडी में टेंशन स्ट्रेस बढ़ सकते हैं और इंजरी के चांसेस बढ़ सकते हैं एंड यू फील यू नो लाइक अ सिक पर्सन। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अर्गोनॉमिक्स जो है वेरी इम्पॉर्टेंट रोल हमारी लाइफ में प्ले करता है। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि क्या क्या अर्गोनॉमिकल चेंजेस हम अपने वर्क प्लेस पे कर सकते हैं। तो वी जस्ट डिस्कस अबाउट द चेयर हाइट। मोस्ट ऑफ द पीपल हैव टू मच हाई चेयर, सो वी हैव टू अवॉइड कि हमारी जो चेयर की हाइट है बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हमारी जो हाइट ऑफ चेयर है वी हैव टू एडजस्ट इट सो दैट कि आपका जो कीबोर्ड है उस पर आपकी फिंगर्स ईजीली जाएं एंड आपकी जो जब आप कीबोर्ड पे काम कर रहे हैं देन आपका जो फोर आर्म है, फोर आर्म एंड योर हैंड दैट शुड बी हॉरिजॉन्टल। आपकी जो एल्बो है वर्टिकली अलाइंड होनी चाहिए आपके शोल्डर के नीचे एंड कोई भी एंगल जो है रिस्ट पे फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए किसी भी एंगल की, ना तो वो फ्लेक्शन में जानी चाहिए बहुत ज़्यादा और ना ही वो एक्सटेंशन में जानी चाहिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है रिस्ट का कि आप जब भी लैपटॉप पे या फिर किसी भी कीबोर्ड पे काम कर रहे हो तो आपके हाथ जो है, आपकी जो रिस्ट है वो टच नहीं हो उस स्पेस को, उस स्क्रीन को टच नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे जो है आपका एक फ्लेक्सर रेटिनाकुलम होता है, माने जहाँ से बहुत सारे नर्व्स पास करती हैं, बहुत सारे टेंडन्स लिगामेंट्स हैं जो हमारे यहाँ से निकलते हैं और जो आपके फिंगर्स को भी सप्लाई करती हैं और ऊपर की तरफ भी जाती हैं आपके फोरआर्म में, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंप्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए जब भी आप काम करें तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपको अपने रिस्ट को कीबोर्ड को टच नहीं करना है। सेकेंड, अगर हम बात करते हैं आर्म रेस्ट की और बैक रेस्ट की, तो आपका जो आर्म रेस्ट है दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू हाइट ऑफ योर कीबोर्ड। जिस लेवल पे आपका आर्म रेस्ट है, आपका कीबोर्ड है, सेम दोनों की हाइट जो है ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए ताकि आप इजीली ड्रैग कर सकें अपनी आर्म को और कीबोर्ड तक इजीली पहुंच सके, राइट। देन बैक रेस्ट जो है हमारा, बैक रेस्ट जो है चेयर का, इट शुड बी लाइक कि आपकी जो लोअर बैक है दैट शुड बी सपोर्टेड फुली, क्योंकि कई बार होता है हमारी चेयर होती है उसकी जो माने पोजीशन है बहुत ही अजीब सी होती है कि आपको अपर बॉडी सपोर्ट मिलता है बट लोअर बॉडी सपोर्ट आपको नहीं मिलता है। तो हमें बेसिकली आपकी लोअर बैक को सपोर्ट करना है। अगर आपकी लोअर बैक सपोर्टेड रहती है तो आपके बैक के चांसेस बहुत ही मिनिमाइज हो जाते हैं। So you have to adjust your backrest at the angle of 100 to 110 degree angle to avoid the back pains. Now we just discuss about the footrest and position of knee. वैसे तो हमारी टेबल पे जो है नीचे हमें एक footrest दे रखा होता है, तो but sometime it happens कि आपके पास में footrest नहीं है। तो अगर आपकी हाइट ऑफ चेयर ज्यादा है और आपका जो फुट है वो नीचे स्विंग कर रहा है तो ये आपकी थाइज में कंप्रेशन पोज करता है। थाइज के अंदर कंप्रेशन आएगा, देन अगेन आपके मसल्स में कंप्रेशन आएगा, यू फील पेन एंड फटीग अगेन, राइट। सो आपको एक फुटरेस की रिक्वायरमेंट है तो आपको फुटरेस रखना चाहिए ताकि आपके जो फीट्स हैं वो सपोर्टेड पोजिशन में रहें। अगर वो सपोर्टेड पोजीशन में है तो थाइस के ऊपर से आपका जो स्ट्रेन है वो कम हो जाता है यहाँ से। एंड पोजीशन ऑफ नी अगेन बहुत इम्पोर्टेंट है। जनरली मैंने देखा है कि लोग बैठते हैं तो आपका जो नी है, बैक ऑफ नी जो है वो टच करता है आपकी पीछे बैक ऑफ सीट को, जो सीट की ये जो साइड्स है यहाँ पे आपको टच करता है। यहाँ पे हमारा एक पोप्लीचल एरिया होता है जहाँ से बहुत सारे अगेन टेंडन है, नर्व्स हैं वो सप्लाई करते हैं। तो अगर आप की जो सीट है बार बार आपकी बैक ऑफ नी को हिट करती है तो उसकी वजह से कंप्रेशन आता है, पेन्स आते हैं, तो हमें ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। ऑलमोस्ट 3 to 4 फिंगर आपकी जो सीट है वो दूर होनी चाहिए आपके नीज से। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें, अदरवाइज जो पेन्स हैं आपके लोअर लेग में भी रेडिएट करते हैं, फुट में भी रेडिएट करते हैं, सो वी हैव टू अवॉइड दिस थिंग ऑल्सो। तो दिस इज़ अ इन होल इट्स अ करेक्ट सिटिंग पोस्चर। आपका जो हेड है वो वर्टिकली
एकदम इन फ्रंट ऑफ योर टॉप ऑफ योर स्क्रीन होना चाहिए, राइट, ऑलमोस्ट 18 टू 24 इंचेस अवे फ्रॉम योर स्क्रीन आपकी जो आईज है, राइट. देन आपके जो शोल्डर्स हैं, शोल्डर्स का रिलैक्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम कुछ काम करते हैं और बहुत जल्दी में होते हैं या फिर हमें कुछ कंप्लीट करना है जल्दी से, तो हम अपने शोल्डर्स को ऐसे राउंडेड ले आते हैं, राउंडेड शेप में, और उसकी वजह से यहाँ पे शोल्डर्स में स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. इवन आपकी जो बैक मसल्स हैं, आपकी जो ट्रेपीजियस है, ये नेक मसल्स हैं, ये अगेन बहुत ज्यादा पेन में आ जाती हैं. सो आपकी जो शोल्डर्स हैं ये भी पूरी तरह से रिलैक्स होने चाहिए. आपकी बैक जो है कम्प्लीटली सपोर्टेड होनी चाहिए थ्रू आउट द बैक रेस्ट. देन आपकी जो आर्म की पोजीशन है, अगेन ऑलमोस्ट 90 डिग्री का एंगल आपकी एल्बो का आपके फोर आर्म के साथ में बने, ताकि आपकी जो कीबोर्ड है इजीली उस पर आप काम कर सकें और किसी तरह के कोई पेन्स आपको ना आए. थाइज जो है आपकी हॉरिजॉन्टली अलाइंट होनी चाहिए. आपका जो नी है 3 to 4 फिंगर्स अवे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, और आपका जो फीट्स हैं वो फुली सपोर्टेड होने चाहिए ऑन द फ्लोर. सो दिस इज द बेस्ट करेक्ट पोजीशन ऑफ सिटिंग. नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज पार्ट. फॉर दैट आई हैव सम वीडियोस. आई एम जस्ट शोइंग शेयर ऑल दीज वीडियोस विद यू पीपल. हम यहाँ पे एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट एक्सरसाइज जो है शोल्डर श्रगिंग मैं बता रही हूँ. आप वीडियो देख पा रहे हैं सर? नहीं अभी नहीं आया. जस्ट अ सेकंड, जो वीडियो प्ले कर रहे हैं वो नहीं आ रही है, आपकी तो आ रही है. गगन जी? यस सर. गगन जी एक बार ये कोई वीडियो शेयर करना चाह रहे हैं, एक बार बताना कैसे होगा. सिर्फ वीडियो रन करें और जैसे शेयरिंग पे क्लिक करें, शेयरिंग पे वीडियो शेयर कर देंगे सिंपल. हां ठीक है, स्क्रीन शेयर करके डायरेक्ट कर देंगे. आई थिंक इन्होंने वीडियो प्ले कीजिए मैम, मेरे को लगता आ जाएगी इससे. वीडियो मैंने प्ले किया हुआ है. नहीं मैं एक्चुअली में मैं बता रहा हूं, मैम ने ना सिर्फ एक स्क्रीन शेयर की है इन्होंने, मतलब सॉरी पर्टिकुलर विंडो शेयर की है, इनको स्क्रीन शेयर करनी चाहिए. दीदी मैम एक बार आप स्क्रीन शेयर कीजिए पूरी, वहां फर्स्ट ऑप्शन आएगा लेफ्ट में, जब आप शेयरिंग करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन है टॉप में. ओके मैम वीडियो आपका. ओके फाइन. यहाँ हम फर्स्ट एक्सरसाइज जो है डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज अ शोल्डर श्रगिंग, जो कि आप इजीली बैठ के अपनी चेयर पे कर सकते हैं. तो इसमें आपकी जो आर्म्स हैं आपके साइड में होनी चाहिए. यू हैव टू रेज योर शोल्डर लाइक दिस एंड होल्ड फॉर 5 seconds एंड देन रिलैक्स. यू कैन सी इजीली आपको अपने शोल्डर्स को रेज करना है, जिससे कि आपकी नेक मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाएंगी. और ये एक्सरसाइज आपको ऑलमोस्ट 10 times रिपीट करनी है. एंड जो होल्ड रखना है उसमें, दैट शुड बी 5 seconds का, एटलीस्ट 5 seconds होना चाहिए. 5 to 8 seconds आप इजीली रख सकते. सेकेंड है चिन टक, चिन टकिंग.
ये प्रोट्रूडेड नेक पोजीशन आपको दिखाई जा रही है इसमें, तो जब आपकी नेक प्रोट्रूडेड रहती है तो आपके बहुत सारे नेक पेन आते हैं, तो इसलिए आपकी चिन को आपको टक इन करके रखना है, होल्ड करना है अगेन 10 सेकंड, देन रिलैक्स। ये नेक मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए है और रिलैक्सेशन के लिए है, इसीलिए हमेशा इस चीज का ध्यान रखें जब भी आप लैपटॉप पे काम करते हैं कि आपकी चिन जो है प्रोट्रूडेड इस तरह से बाहर नहीं निकले, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्सरसाइज का। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज जो कर रहे हैं, नेक्स्ट स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, इसमें अभी आपको क्या करना है, मैं जैसे आपकी स्क्रीन पे आपको शो कर रही हूँ जस्ट से, अभी इसमें मैं एक बार फिर से प्ले करती हूँ ये वीडियो, ये नेक स्ट्रेचिंग वीडियो है, इसमें आपको अपनी नेक को स्ट्रेच करना है, तो उसके लिए आपकी नेक पहले सीधी है तो आपको लेटरल साइड में रोटेट करना है अपनी नेक को, देन चिन को आपको अपनी चेस्ट पे टच करना है लाइक दिस, उसके बाद आपको अपना जो क्राउन एरिया है हेड का उसे होल्ड करना है और हल्का सा स्ट्रेच देना है। ये जो स्ट्रेच है दैट शुड बी वेरी माइल्ड, अदरवाइज जो मसल्स हैं ओवर स्ट्रेच हो जाती हैं, एंड आई एम जस्ट शोइंग यू अगेन। आपको अपने हैंड से क्राउन एरिया को होल्ड करके और हल्का स्ट्रेच देना है और इस स्ट्रेच को मेंटेन करना है। जिस साइड में आप अपनी नेक को मूव कर रहे हैं उसे ऑपोजिट साइड की जो आपकी नेक मसल्स हैं वो स्ट्रेच होंगी, और यही पोजीशन आपको 5 सेकंड होल्ड करनी है, देन आपको रिलैक्स रखना है अपने आप। फिर अगेन आपको नेक्स्ट अपना राइट साइड में आपने किया चिन को जो है चेस्ट पे टच किया, देन होल्ड किया आर्म से और उसे स्ट्रेच किया नेक को। Fine, ma'am? Right, ma'am. हाँ जी, बढ़िया। Next exercise जो है हमारी, उसमें हम leg stretching बता रहे हैं आपको। जब आप बैठे हैं, आप थक गए हैं काफी देर तक, and you feel कि आपको tingling महसूस हो रही है या फिर थोड़ा सा fatigue feel हो रहा है, pain हो रहा है legs में, you have to stretch your legs and toes को जो है आपको अंदर की तरफ stretch करना है, अपनी तरफ खींचना है, और आपको होल्ड करना है 10 सेकंड्स के लिए इस पोजीशन को, देन आपको रिलैक्स करना है। सेम आप जो है 10-10 रिपीटेशंस इजीली आप कर सकते हैं, और बैठे बैठे ये तो आप काम करते करते भी इजीली कर सकते हैं। लेग्स को अगेन स्ट्रेच करेंगे, ये है एंकल टो मूवमेंट्स, ये अगेन आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए है। जैसे कि हमने बताया था बैड पोस्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमारा जो सर्कुलेशन है वो बहुत ही अफेक्ट करता है, तो जब आप एंकल टो मूवमेंट करते हैं कि एंकल्स को अपने अंदर टो इन करना है देन टो आउट करना है, तो इससे आपका सर्कुलेशन बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करेंगे बैक की एक्सटेंशन एक्सरसाइज, इसमें आपको अपनी फीस्ट बनानी है और अपनी बैक पे प्लेस करनी है, लोअर बैक पे, देन आपको अपनी बॉडी को पीछे की तरफ एक्सटेंड करना है, थोड़ा सा झुकना है पीछे की तरफ और होल्ड करना है 5 सेकंड्स के लिए, देन रिलैक्स अगेन। यू कैन सी दिस थिंग, फीस्ट बनाएंगे, बैक पे लोअर बैक पे प्लेस करेंगे, एक्सटेंड करेंगे बैक को, होल्ड करेंगे 5 सेकंड्स के लिए, देन रिलैक्स कर देंगे। दिस इज अ बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज, जब आपको बैक एक होने लगता है तो आप इजीली इस एक्सरसाइज को रिपीट कर सकते हैं, जैसे मैंने स्टैंडिंग में बताया है इसे आप बैठ के भी कर सकते हैं। दिस इज अ साइड स्ट्रेच एक्सरसाइज, अगेन आपको जो है स्ट्रेचिंग साइड से अपनी जो साइड मसल्स हैं वो भी आपकी पेनफुल हो जाती हैं, आप इसको स्ट्रेच करेंगे 5 सेकंड्स होल्ड देंगे देन अगेन रिलैक्स, बोथ द साइड्स यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज। थर्ड इज बैक रोटेशन, आपको बैक को रोटेट करना है, होल्ड करना है फॉर 2 to 3 seconds, देन अगेन यू कैन रिलैक्स इट, सेम आप अदर साइड में करेंगे एंड देन रिलैक्स।
रिपीटिशंस आपको सेम वही ऑलमोस्ट 10 रिपीटिशंस इसके करने हैं. नाउ हम ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपका, दिस इज अ आर्म स्ट्रेच. जब आप आर्म स्ट्रेच करेंगे तो आपको रिस्ट को सबसे पहले अपना स्ट्रेच पोजीशन में रखना है, देन यू हैव टू एक्सटेंड योर आर्म एंड पुट इट बैकवर्ड्स. होल्ड करना है 5 to 7 सेकेंड्स के लिए, देन रिलैक्स. अगेन स्ट्रेच करना है रिस्ट को फर्स्ट, देन आर्म को एक्सटेंड करना है. स्ट्रेच पोजीशन में ही इसको पीछे लेके जाना है इस तरह से. होल्ड करना है 5 to 7 सेकेंड्स, देन रिलैक्स करना है. नेक्स्ट इज आर्म रोटेशन. अगेन यू कैन रोटेट योर आर्म लाइक दिस, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज. यू फील कि आपका जो बैक में जो आपका स्कैपुला होता है, आई डोंट नो कि टेक्निकली यू नो दिस थिंग, कि ये जो पीछे वाली बोन्स होती हैं वहाँ पे भी आपको रिलैक्सेशन फील होता है जब आप रोटेशन करते हैं, आर्म रोटेशन करते हैं. सो सर मैंने इन वीडियोस के थ्रू थोड़ी बहुत जो एक्सरसाइजेस हैं, बेसिक एक्सरसाइजेस, वो आपको एक्सप्लेन की हैं. अगर आप कुछ भी इसके बारे में पूछना चाहें तो प्लीज. एक्सरसाइज क्वेश्चन मैडम बाद में ले लेंगे सब, ओके ना, एट द एंड ऑफ सेशन अगर किसी का कोई क्वेश्चन आखिरी में ले लेंगे, लास्ट सेशन पवन जी हैं. फाइन सर, आप कंटिन्यू कर लीजिए सेशन. सर ये था बेसिकली जो पोस्चर के बारे में मैंने आपको बताया, जो एक्सरसाइजेस थी, जो रॉन्ग पोस्चर था. तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, और इसके अलावा भी बहुत सारी बेसिक एक्सरसाइजेस हैं जो आप कर सकते हैं बैठने के बजाय. अदरवाइज वैसे भी हम डेली रूटीन में अपने ऐड ऑन कर सकते हैं ऑलमोस्ट 15-20 मिनट्स का एक सेशन जो एक्सरसाइज का, जिससे कि आपकी मसल जो है बिल्कुल स्ट्रेंथन रहती है. स्क्रीन था पीपीटी का लास्ट. शो आई थिंक आपको पीपीटी शो नहीं हो रही है, राइट? मैम शेयरिंग दोबारा करनी पड़ेगी. शेयरिंग दोबारा से शेयरिंग कीजिए. भरत जी तब तक क्वेश्चन ले लेंगे, तब तक स्क्रीन शेयरिंग है. हां तब तक क्वेरी ले सकते हैं अगर टाइम लगे तो स्क्रीन शेयरिंग में. सर अभी आई थिंक आप लोग देख पा रहे हैं. हाँ मैम प्लीज कंटिन्यू. सो ये मैंने कुछ स्क्रीन्स आपके सामने शो की हैं जिसमें पिक्चर्स आपको दिख रही हैं कि आप इजीली जो है आर्म को स्ट्रेच आउट, और भी बहुत सारे तरीके हैं आर्म्स को स्ट्रेच करने के. तो दिस इज वन ऑफ द पोज जिसमें आपको आर्म्स को पूरी तरह से एक्सटेंड करना है, फैलाना है, देन उन्हें सर्कुलर मूवमेंट में घुमाना है, बहुत ही छोटे छोटे सर्कल्स बनाने हैं क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, राइट सर. सेकेंड है आपका ये अगेन आपका आर्म स्ट्रेचिंग है, जिसमें आपको एक हाथ से अपने दूसरी आर्म को अपोजिट साइड में लेके जाना है, और नेक भी आपका जो है अपोजिट मूव करेगा जहां आपकी जिस साइड में, मान लीजिए आपने राइट साइड में अपनी नेक को मूव किया है, तो लेफ्ट साइड की आपको आर्म जो है राइट आर्म को लेफ्ट साइड में लेके जाना है अपोजिट साइड में. इस पोजिशन को आपको होल्ड करके रखना है same 5 to 7 seconds, then you have to relax it. ये जैसे मैंने अभी आपको explain किया था back extension exercise, this is really very important, क्योंकि इसके बाद में आपकी जो back muscles हैं काफी हद तक relax हो जाती हैं. So daily basis पे आपको ये back extension exercise करनी चाहिए, almost 10 repetition in one time, and you can repeat it 2 to
three times in a day. This is a breathing exercise basically. This is for back strengthening. You will just have to lie down first. Aapki jo knees hain, wo 90 degree ka angle banayenge floor ke saath mein. The feet should be supported on your floor. Then you have to raise your back and hold for 10 seconds. Then again, relax it. So, ye basically aapki muscle strengthening ke liye hai, back muscles ki strengthening ke liye. And this is again very important core muscle strengthening exercise. So, isme aapko main bata deti hu, core kya hota hai? Core is a complete मसल स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम जिसमें आपकी बैक मसल्स हैं, आपके जो एब्डोमिनल मसल्स हैं, आपके थाई मसल्स हैं, आपके हिप मसल्स हैं, वो सब कवर होते हैं. तो इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट जिसमें कि आप क्या कर सकते हैं, आपको क्वाड्रीपोड पोजीशन में आना है. दिस इज़ अ क्वाड्रीपोड पोजीशन जहाँ पे आपके दोनों हाथ और आपके जो नीज हैं वो सपोर्टेड पोजीशन में रहेंगे. एंड यू हैव टू मेक अ पोज लाइक अ कैट, जिसमें कि जैसे कैट जो होती है उसका जो हम्प है क्रिएट हो जाता है, इस तरह से आपको अपना हम्प बनाना है ऊपर की तरफ एंड होल्ड करना है इस पोजीशन को 10 सेकंड्स के लिए. जब आप इस तरह से हम्प क्रिएट करेंगे तो आपका जो एब्डोमिन है, जो आपका टमी है, वो टक इन पोजीशन में रहना चाहिए. ऊपर की तरफ आपको उसे खींच के रखना है और 10 सेकंड्स के लिए इसे आपको होल्ड करना है. देन नेक्स्ट, इसके जस्ट बाद आपको जो पोज लेना है दैट इज अ डिफरेंट पोज, जिसमें आपको अपना जो हम्प आपने क्रिएट किया था उसे नीचे की तरफ स्लाइड डाउन कर देंगे एंड नेक जो है आपकी एक्सटेंशन में चली जाएगी, पीछे की तरफ चली जाएगी. एंड अगेन आपको ये होल्ड करना है 10 सेकेंड्स के लिए. सो दिस इज अ बेस्ट कोर मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज. तो सर इसके ये तो आपको मैंने पोस्चर और एक्सरसाइजेस के बारे में बताया. नाउ हम जो है वी कैन डिस्कस अबाउट द डायबिटीज आल्सो. सर प्लीज एक बार मुझे थोड़ा आप आइडिया दीजिए कि डायबिटीज के बारे में कहां से हमें शुरू करना है, क्या है, आप थोड़ा मुझे बताइए आपकी बेसिक क्वेरी क्या है. तो बेसिक अगर कोई है भाई, कैसे उसको मेंटेन रख सकते हैं, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हमारे सीनियर्स हैं काफी डायबिटिक पेशेंट रहते हैं, वो ऑफिस में बैठना, चाय पीना और ये शेड्यूल रहता है, उसके लिए भी क्या डाइट लें, किस प्रकार से वो कंट्रोल रह सकती है, वो आप थोड़ा करेंगे गाइड. ओके बेसिकली हमारा जो ऑर्गन है दैट इज अ पैनक्रियाज, जो कि हमारी बॉडी में इंसुलिन को सिक्रीट करता है. इंसुलिन इज अ हार्मोन जो कि पैनक्रियाज सिक्रीट करती है और ये इंसुलिन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है. जब भी हम कोई फूड इनटेक करते हैं तो वो हमारे ब्लड में जाता है. ब्लड में जाने के बाद में वो आपको एज अ एनर्जी आपके बॉडी पार्ट्स को, आपकी सेल्स को वो सप्लाई किया जाता है, राइट. लेकिन कई बार क्या होता है कि आपका अगर पेनक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट नहीं कर रहा है या फिर वो इंसुलिन कम सिक्रीट कर रहा है, तो उसकी वजह से आप का जो शुगर है या ग्लूकोज की फॉर्म में जो आपका फूड रहता है ब्लड के अंदर, वो आपके सेल्स को प्रोवाइड ना होके आपके ब्लड में ही रह जाता है. उसका जो सप्लाई है वो अफेक्ट करता है अगर इंसुलिन कम है या फिर इंसुलिन नहीं है आपकी बॉडी में, तो उसकी वजह से ब्लड के अंदर आपका शुगर लेवल हाई शो करने लगता है. इट्स नॉट अ डिजीज, इट्स जस्ट अ थिंग कि जिसमें आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं. इट्स नॉट अ डिजीज. So you can easily correct your diabetes with some lifestyle changes. So diabetes jo hai aapka do tarah ka hota hai. First hai aapka insulin dependent diabetes and second is your type 1 and type 2. Type 1 is a insulin dependent and second is your non insulin dependent. Jo insulin dependent diabetes hota hai that is basically due to aapka jo pancreas hai insulin banata hi nahi hai.
इसीलिए हमें बाहर से इंसुलिन इंटेक करना पड़ता है। इसीलिए हम आपने देखा होगा जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं पहले इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं, उसके बाद में अपना मील लेते हैं, कुछ भी खाते हैं, ताकि इंसुलिन जब आपकी बॉडी में रहे तो वो आपके जो फूड है जो ग्लूकोज की फॉर्म में आपकी बॉडी में है उसे इजीली आपके सेल्स तक पहुंचा सके और आपकी बॉडी को नरिश कर सके। तो फर्स्ट टाइप है इंसुलिन डिपेंडेंट, इसमें आपकी बॉडी इंसुलिन क्रिएट ही नहीं करती, पेनक्रियाज जो है उसे बॉडी कमांड ही नहीं करती है कि आप इंसुलिन क्रिएट करें, ड्यू टू सम डिफॉर्मिटीज या फिर बॉडी का जो सिस्टम है वो अफेक्टेड है किसी कारण से, इसी वजह से आपकी पेनक्रियाज ठीक से वर्क नहीं करती। सेकेंड पार्ट है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट जो आपका डायबिटीज है, उसमें क्या होता है कि आपकी पेनक्रियाज वर्क तो कर रही है बट एफिशिएंटली वर्क नहीं कर रही, इंसुलिन सिक्रीट कर रही है बट पूरी तरह से नहीं कर रही, कि आपका जो पूरा जो ग्लूकोज है वो आपकी बॉडी की सेल्स तक पहुंच सके और वो यूटिलाइज हो सके। तो इसीलिए हम मेडिसिन की फॉर्म में इंसुलिन लेते हैं ताकि वो जो आपकी एक कमी जो रह गई है बॉडी की तरफ से जो इंसुलिन बनाने में वो आपकी पूरी हो सके। तो हमें अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस लाने के लिए हमें अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करने पड़ते हैं। ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस आपके बहुत सारी तरह से हो सकते हैं। फर्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका डाइट है। तो जैसे कि आपने बताया कि सीएज हैं वो बैठे हैं काम कर रहे हैं चाय ले लेते हैं कुछ भी ले लेते हैं, तो हमें अपने डाइटरी मॉडिफिकेशंस करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें आपका जो डे है वो आपका शुरू होना चाहिए, सबसे पहले आपकी जो सुबह होनी चाहिए वो चाय के साथ ना होके या तो आपकी कोकोनट वाटर या फिर आपका जो है लाइम वाटर इसके साथ में शुरू हो, दैट विल बी मच मोर यू नो इफेक्टिव। इवन और भी बहुत सारी चीज़ें, मैं बेसिक चीज़ें आपको बता रही हूँ, जैसे कि वीट ग्रास जूस है वो भी आप ले सकते हैं इन द अर्ली मॉर्निंग जब आप अपना दिन शुरू कर रहे हैं। देन आफ्टर दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि अप टू 12 o'clock 12 बजे तक सुबह में आपको जो है अपना मील सिर्फ फ्रूट्स की फॉर्म में लेना है, आपको कोई भी जो सॉलिड मील है वो इनटेक नहीं करना है। क्योंकि कारण सबसे बड़ा ये होता है इसमें कि आप शायद बिलीव नहीं करेंगे, हमारी बॉडी को फ्रूट्स को भी डाइजेस्ट करने में ऑलमोस्ट 4 hours लगते हैं, और अगर आप सॉलिड मील की बात करें तो उसको 8 to 10 hours लगते हैं एक मील को डाइजेस्ट करने के लिए। तो आप ये देखिए कि हम दिन में 3 बार एटलीस्ट जो है सॉलिड मील लेते हैं, आपने जो मॉर्निंग में जो मील लिया वो आपका डाइजेस्ट भी नहीं होता है, उससे पहले हम सेकेंड मील ले लेते हैं। तो इसकी वजह से बॉडी जो है समझ ही नहीं पाती है कि वो उसे डाइजेस्ट करे कैसे, और उसकी वजह से काफी सारी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स भी आती है, गैस भी बनती है लोगों को, और अगेन पेन्स एंड एक्स का बहुत बड़ा रीजन होता है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि जो आपका जो मॉर्निंग है मील जो ब्रेकफास्ट है दैट शुड बी फ्रूट्स ओनली एंड इट शुड बी अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट। फॉर एग्जांपल अगर आपका बॉडी वेट 70 kg है तो आपका जो फ्रूट्स हैं ऑलमोस्ट 700 to 800 grams फ्रूट एटलीस्ट आपका होना चाहिए। इसमें अब आप कहेंगे कि जो फ्रूट्स है 700-800 grams एक साथ कैसे कंज्यूम कोई कर सकता है, तो उसके लिए यू कैन डिवाइड इट इन 2 to 3 parts। जैसे कि आपने 9 बजे थोड़ा फ्रूट ले लिया, देन अगेन यू कैन कंज्यूम इट एट 11 o'clock देन 12 o'clock, बट आपका जो मील है वो सिर्फ फ्रूट्स रिच होना चाहिए, राइट। देन आपका जो सेकेंड है आफ्टर फ्रूट्स यू कैन टेक योर मील इन द आफ्टरनून, ऑलमोस्ट आप 1 बजे या 2 बजे खाना खाते हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। जनरली हम लोग सैलेड लेते हैं अपने मील के साथ, बट हम लोग कैसे खाते हैं उसे एक रोंग हमारी प्रैक्टिस रहती है कि जिसमें हम खाना खाते हैं और साथ साथ में सैलेड भी खाते रहते हैं, तो हमें इस तरह से सैलेड कंज्यूम नहीं करना है। हमने सुबह फ्रूट्स इसलिए लिए ताकि आपका मेटाबॉलिक रेट हाई हो जाए। एंड सेकेंड थिंग, एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे दिमाग में एक मिथ है कि जो फ्रूट्स हम खाएंगे तो उसकी वजह से हमारा शुगर लेवल अगेन हाई हो जाएगा, बट हमारा शुगर लेवल कभी भी फ्रूट्स लेने से हाई नहीं होता है। इस चीज़ को आपको बहुत ज़रूरी है समझना कि शुगर काफ़ी तरह की होती है, एक होती है ग्लूकोज फॉर्म में, एक होती है फ्रक्टोज फॉर्म में, फ्रक्टोज इज़ अ फ्रूट शुगर, और ग्लूकोज इज़ अ जो आपके सॉलिड मील से अनाज से जो आपको मिलती है। तो हमारी बॉडी को जो हार्म करता है दैट इज़ अ ग्लूकोज नॉट अ फ्रक्टोज,
तो आप इजीली कोई भी फ्रूट कंज्यूम कर सकते हैं इस चीज के बारे में सोचे बिना कि आप जो फ्रूट ले रहे हैं वो ज्यादा मीठा है नहीं है, तो आपको जो है प्लेंटी ऑफ फ्रूट लेना है. और जो फ्रूट होना चाहिए वो आपका सीजनल फ्रूट होना चाहिए. जितना अच्छा फ्रूट आपको आपके सेम सीजन में मिलता है तो आप ढूंढ के भी वो चीज़ नहीं निकाल सकते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अब हम लंच की बात करते हैं, तो लंच में आपको जो सैलेड लेना है, फर्स्ट आपको दो प्लेट्स अपनी डिज़ाइन करनी है. फर्स्ट प्लेट रहेगी प्लेट वन, दैट शुड बी ऑफ योर सैलेड ओनली. और आपको सैलेड एक फुल क्वार्टर प्लेट सैलेड लेना है, और उसके जस्ट बाद आपको है अपना मील कंज्यूम करना है, जिसमें कि आप चपाती सब्जी या एनीथिंग यू वांट टू ईट. तो इससे क्या होगा कि जब आप सैलेड पहले खाएंगे तो अगेन फाइबर आपकी बॉडी में जाएगा, एंड फाइबर आपके मेटाबॉलिक रेट को अगेन हाई करता है, फूड को जल्दी डाइजेस्ट करता है और एनर्जी को यूटिलाइज करता है. तो आपका फाइबर गया बॉडी में, देन उसके बाद जब आप अगेन चपाती लेंगे तो आपकी भूख वैसे ही आधी हो जाएगी फ्रूट्स खाने सॉरी सैलेड लेने के बाद में. तो जहाँ आप दो चपाती लेते हैं शायद हो सकता है आपकी जो भूख है वो डिवाइड हो जाती है, तो एक ही चपाती आप खा पाएं. तो इससे अगेन आपका जो अनाज है जो ग्लूकोज है उसकी कंजप्शन भी कम होती है बॉडी में, और फ्रक्टोज और जो आपका फाइबर है वो भी आपका बढ़ जाता है. नेक्स्ट है आपका इवनिंग स्नैक्स. अगर आप लेते हैं तो इसमें अगेन आप कुछ ऑप्शंस रख सकते हैं. चाय है, उसकी बजाय आई कैन शेयर अ रेसिपी ऑफ गुंजा टी विद यू पीपल, जिसमें कि एक बहुत ही नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ में वो टी प्रिपेयर की जाती है. इट इज़ वेरी टेस्टी एंड हेल्दी, एंड इवन इन दिस कोविड पीरियड ऑल्सो यू कैन यूटिलाइज दैट थिंग कि आप जो है वो टी बहुत ईजिली कंज्यूम कर सकते हैं और बहुत ही हेल्दी रहती है. तो आप शाम को वो टी ले सकते हैं. इधर यू कैन टेक अ कोकोनट वाटर, इधर यू कैन टेक यू नो जूसेस दैट वेजिटेबल फ्रेश वेजिटेबल जूस, जो कि आप जैसे कि आपने घिया लिया साथ में आपने टमाटो ले लिया उससे आपने मिक्सर में ग्राइंड किया और उसका जूस निकाला. उसे निकालने के बाद में आपको जितना आपने ग्लास में जूस लिया है उतनी ही क्वांटिटी में उसमें वाटर ऐड करना है, एंड विदाउट एडिंग एनी सॉल्ट और एनीथिंग यू हैव टू कंज्यूम इट राइट. तो आप अपने इवनिंग स्नैक्स को चेंज कर सकते हैं थोड़ा सा. इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे भूख है मुझे कुछ और खाना है, देन यू कैन गो फॉर अ यू नो डाइट मिक्सचर और समथिंग एल्स, एंड इवन यू कैन टेक ड्राई फ्रूट्स ऑल्सो. आपको हमेशा इस चीज पे ध्यान देना है कि आपका जो डाइट रहे दैट शुड बी प्लांट फूड नॉट एनिमल फूड. तो चाय के साथ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम सिर्फ एक ही होता है, हम अगर डायबिटिक पेशेंट्स की बात करें तो हम उन्हें यही बोलते हैं कि आपको मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है. इसीलिए हमें उन्हें बोलना होता है कि आप चाय ना लेके उसे रिप्लेस कर दें या तो ग्रीन टी के साथ या फिर इस तरह की नेचुरल हर्बल जो टीज होती हैं उसके साथ या जूसेस के साथ. देन आफ्टर दैट इफ यू गो फॉर योर डिनर, देन डिनर के लिए अगेन आपको सेम पैटर्न फॉलो करना है, जिसमें कि आपको एक क्वार्टर प्लेट सैलेड लेना है फर्स्ट, उसे कंज्यूम करना है, देन यू गो फॉर योर मील सॉलिड मील. और अगर आप ये चाहते हैं कि आप नाइट में ऑप्शंस भी रख सकते हैं कि अगर आप चाहें तो सूप्स भी कंज्यूम कर सकते हैं इवनिंग में, क्योंकि सूप्स अगेन आपका जो है बहुत ही लाइट होता है और अप टू 7 to 8 PM यू हैव टू फिनिश योर मील, ताकि वो इजीली आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हो सके, आपकी बॉडी में मेटाबोलाइज हो सके. क्योंकि उसके बाद सोना जनरली हम लोगों का 10 o'clock के आसपास ही होता है, 2-3 घंटे बॉडी को मिल जाते हैं और आपको थोड़ा सा टहल लेना चाहिए, एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए हल्की फुल्की टहल के, ताकि आपकी बॉडी ईजीली उसे डाइजेस्ट कर सके. तो दिस इज ऑल अबाउट योर डाइट प्लान. और तो ये सारा डाइट पार्ट था जो कि हम एक डायबिटिक पेशेंट को बताते हैं. इवन बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो विद यूजिंग दिस डाइट ओनली अपनी डायबिटीज क्योर कर पाए हैं, और जिसमें कि आपको मेडिसिन भी नहीं लेना पड़ता. और आप अगर इंसुलिन डिपेंडेंट हैं तो आपकी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज भी इससे करेक्शन में आ जाती है, क्योंकि बॉडी को टाइम मिलता है, बॉडी अपने आप वर्क करती है, आपकी पेनक्रियाज जो है उसकी टेंडेंसी जो है बढ़ जाती है इंसुलिन सीक्रीट करने की. हम
हमारा बेसिक बॉडी मोटिव है कि करेक्शन करना, बॉडी के अंदर चेंजेस लेके आना, ऑटोमेटिकली आपकी इम्यूनिटी भी बढ़े, आपकी बॉडी जो है, आपके ऑर्गन्स जो हैं अच्छे से वर्क करने लगे, ताकि आपको बाहर से इंसुलिन कंज्यूम करने की, चाहे वो मेडिसिन के फॉर्म में है चाहे फिर इंजेक्शन के फॉर्म में, आपको ज़रूरत ही ना हो. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर डायबिटीज़. एंड मिल्क प्रोडक्ट्स के बारे में भी मैं एक छोटी सी जानकारी आपको देना चाहती हूँ कि जो मिल्क है या फिर मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, हमारी बॉडी डाइजेस्ट ही नहीं करती है. आप अगर देखेंगे, आप बोलेंगे कि हम लोग तो बचपन से दूध पीते आए हैं, तो दूध पीने के बाद भी आप देखेंगे 90% लोग ऐसे हैं जो कि कैल्शियम टैबलेट कंज्यूम करते हैं, जबकि हम हमेशा से मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं. तो हमारी बॉडी में कैल्शियम कहाँ जा रहा है, हमारा वो बॉडी से कैल्शियम यूटिलाइज क्यों नहीं हो रहा है? दैट इज ऑल बिकॉज कि हमारी जो बॉडी है आफ्टर द एज ऑफ 4 to 5 years जो मिल्क का जो कैल्शियम है उसे कंज्यूम ही नहीं करती है, वो उसे बाईपास कर देती है. तो आप जो दूध पी भी रहे हैं तो वो आपकी बॉडी में नहीं लगता है, आपकी बॉडी को दूध से कैल्शियम नहीं मिलता है. तो इसीलिए आपको जो है अपने कैल्शियम सोर्सेज को चेंज करना होगा. उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यू कैन कंज्यूम सीसम सीड्स जो आपके होते हैं, आपके तिल जो होता है, फ्लैक्स सीड्स जो होते हैं वो आप खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स जो है वो आप ले सकते हैं. तो इसके साथ में जो है आप रिप्लेस कर सकते हैं अपनी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट को. तो अगर आप मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स अवॉइड करते हैं तो आगे फ्यूचर में आपको जो है जनरली पेशेंट्स को जो है कैंसर होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं. तो सबसे हार्मफुल चीज़ जो है हमारे लिए है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, जो कि हम बहुत ही रिलीजियसली फॉलो करते हैं इस चीज़ को कि हमें एटलीस्ट 2 glass दूध जरूर लेना ही लेना है. दूध तो बहुत अच्छा करके पीते हैं. एंड गाय का दूध बोलते हैं, गाय का दूध अच्छा होता है, उसके बारे में बताइए प्लीज. मैम देखिए, गाय का दूध हो चाहे आप भैंस का दूध ले, कोई भी ले, लेकिन वो है एनिमल फूड. अगेन सुना है कि गाय के दूध में बहुत क्वालिटीज अच्छी होती है. इट्स लाइक बिल्कुल बिल्कुल होती है मैम. जब गाय का दूध होता है बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, बट वो गाय के बेबी के लिए न्यूट्रिशियस है. और डेफिनेटली आप ये देखिए कि आपको मैं एक चीज बताती हूँ कि कोई भी जिस कंट्री में आप रह रहे हैं, जैसे कि हमारी यहाँ पे जो खेती है वो सरसों की खेती होती है. सीसम सीड्स जो है हमारी यहाँ पे उगते हैं, ठीक है. और हमें जो है सरसों तेल सबसे ज्यादा हेल्दी ऑयल होता है, जबकि आजकल लोग ऑलिव ऑयल की तरफ बहुत ज्यादा भाग रहे हैं, जो कि हमारी खुद की फार्मिंग है ही नहीं, राइट. जिस एनवायरमेंट में, जिस एटमोसफेयर में आप रह रहे हैं, वहीं की जो आपकी यू नो फार्मिंग है वो आपको बहुत ही बेनिफिट देती है. इसी तरह से जो एनिमल फूड है वो एनिमल के लिए है, हम लोगों के लिए नहीं बना है, हमारे लिए बना है प्लांट फूड, और हमें उसे ही कंज्यूम करना चाहिए. अगर आप मिल्क को रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप कोकोनट मिल्क के साथ इसे रिप्लेस कर सकते हैं. तो उससे वो बहुत ही न्यूट्रिशियस भी होता है, बहुत हेल्दी होता है, और आपकी जो मिल्क की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाती है उससे. मल्टीग्रेन के बारे में क्या व्यू आपका? मल्टीग्रेन इज अगेन वेरी गुड. मल्टीग्रेन जो है आपका फाइबर रिच होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ग्रेन्स होते हैं, तो आप इजीली उसे कंज्यूम कर सकते हो. और इट इज़ वेरी न्यूट्रिशियस, क्योंकि इसमें हर तरह के थोड़ा थोड़ा हर चीज़ बॉडी रिक्वायर करती है. तो मल्टीग्रेन इज़ वेरी हेल्दी फॉर अस. तो आप मल्टीग्रेन आटा लेते हैं, या फिर आप एक काम और भी कर सकते हैं, जो वेजिटेबल्स होती हैं उसे आपको चॉप करना है, और इवन आपको उसे अच्छे से घिसने के बाद में अपने फ्लोर में मिक्स करना है. जितना अच्छे से आप उसे मिक्स करेंगे, जितना ज़्यादा क्वांटिटी में, जैसे कि आपने जितना आटा लिया है उतनी ही क्वांटिटी में आपको वेजिटेबल्स उसमें डालनी है. अगर आप उसकी चपाती बनाते हैं तो वो सबसे बेस्ट पार्ट है आपका. वो फाइबर रिच भी होगा, वो हेल्दी भी होगा, और एक मल्टीग्रेन का जैसे काम होता है उसी तरह से आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है इससे फुलफिल हो जाती है. और उसके अलावा अगर आप बात करें तो अगर आपने एक चीज और है, बहुत ही कोकोनट ऑयल को, कोकोनट जूस सॉरी वाटर को रिप्लेस करता है, दैट इज अ पेठे का जूस. वाइट पेठा जो होता है उसका जूस भी आप ले सकते हैं, देन अगेन वो इतना रिच होता है जितना कि आपका कोकोनट वाटर रिच होता है.
ठीक है, इट इज एल्कलाइन इन नेचर. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, जितना भी फूड मैंने आपको बताया है दैट इज एल्कलाइन इन नेचर. और हमारी बॉडी हो जाती है एसिडिक. बहुत सारा जो हम जंक फूड लेते हैं या फिर जो भी रिफाइंड फूड हम यूज करते हैं उसकी वजह से हमारी बॉडी एसिडिक रहती है. तो ये आपके एसिड को कम करती है और एल्कलाइन बनाती है. बॉडी जितना एल्कलाइन फूड लेगी उतना ही ज्यादा हेल्दी रहेगी और डिजीज फ्री रहेगी. उसमें घी ज्यादा लगता है मैम, उसका क्या सॉल्यूशन है? मल्टीग्रेन जो हम खाते हैं सर, अगेन आप को जैसे मैंने बताया कि हमें मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं लेने हैं. जी सर, तो हमें मिल्क प्रोडक्ट्स अवॉइड करने हैं. हाँ जी सर, मैं इसीलिए बोल रही हूँ. तो आपको जो है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लेने ही नहीं है. तो घी अगेन आपका जो एनिमल फूड में आता है तो यू हैव टू अवॉइड इट. ओके मैम, आपको लेना ही नहीं है. तो हमें रिक्वायरमेंट जो है वो थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी. तो कोई छोड़ ही नहीं जनरली मैम. इनफैक्ट ये कहते हैं कि भाई दूध और घी छोड़ दिया तो कमजोरी आ जाएगी शरीर में. नहीं आएगी सर. एक्चुअली क्या होता है ना कि हमारी हम उतना एक्सरसाइज भी तो नहीं कर रहे ना. आप देखेंगे कि पहले के टाइम में जो लोग होते थे वो इतना वर्कआउट करते थे, खेत में भी काम करते थे. जो लेडीज है वो हाउस होल्ड वर्क इतना ज्यादा करती थी कि वो इजीली उसे यूटिलाइज कर लेती थी. अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी मिल्क को डाइजेस्ट करे तो उसके लिए वो एंजाइम्स आपकी बॉडी में होने चाहिए कि जो आपके मिल्क को यूटिलाइज करे. और उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि एक्टिविटी ज्यादा होना आपकी, मतलब आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी ज्यादा हो या फिर आपका एक्सरसाइज पार्ट इतना ज्यादा हो. जैसे कि आपके जिमर्स होते हैं वो इजीली जो है एनिमल फूड को भी डाइजेस्ट कर जाते हैं और उनकी बॉडी जो है उसी से बिल्ड होती है ज्यादातर. जो भी आर्टिफिशियल प्रोटीन इनटेक वो करते हैं या फिर जो भी आपका एनिमल फूड वो लेते हैं. बट आप और मैं अगर सोचे कि जो एक नॉर्मल एडियल्स में रहते हैं और अपना जो है चेयर मतलब एक प्रोफेशन हमारा ऐसा है जहाँ हमारी सिटिंग जॉब ज्यादा रहती है तो हम अपने बॉडी में उस प्रोटीन को यूटिलाइज ही नहीं कर सकते. बॉडी उसे बाईपास कर देती है. आपने ये चीज सुनी होगी रात को हम लोग ज्यादातर मिल्क इसलिए लेते हैं ताकि सुबह में जो है आपका पेट इजीली क्लियर हो जाए. ये चीज भी बहुत सारे लोग बोलते हैं. दैट इज ऑल बिकॉज़ बोलते हैं अभी हल्दी का दूध क्या बोलोगे आप पीना चाहिए. सब रेकमेंड करते हैं हल्दी का दूध पियो. नहीं, आप हल्दी को किसी और फॉर्म में ले सकते हैं. जो मैंने आपको बताया कि एक चाय की रेसिपी है उसमें भी यू कैन एड हल्दी, तो दैट इज वेरी यूजफुल. बट अगेन आपका जो मिल्क है वो तो मैं जैसे आपको बता ही रही हूँ कि हमें अवॉइड करना ही चाहिए. बट हाँ डेफिनेटली अगर आप पीना चाहते हैं तो आपको अपना वर्कआउट भी उसी हिसाब से रखना चाहिए कि आपकी बॉडी इजीली वो एंजाइम्स क्रिएट करे. अगेन सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. अगर आपकी बॉडी सनलाइट कंज्यूम कर रही है तो वो एंजाइम्स बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं. बट 3 to 4 years इवन 5 years की एज तक ही मैक्सिमम जो है एंजाइम रिच रहती है हमारी बॉडी जो कि इजीली मिल्क को डाइजेस्ट करती है. अदरवाइज वो चीजें थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे डिग्रेड होने लगती है. मैम जो आपने बताया कि मिल्क और मिल्क से रिलेटेड चीजें नहीं खानी चाहिए वो वीगन कंसेप्ट में भी होती है. जैसे मैंने 2-3 महीने पहले ट्राई किया था तो हम काफी हैबिचुअल हो चुके हैं कि मिल्क और जैसे देसी घी खाने के, तो उसका बेस्ट सब्स्टिट्यूट क्या रहेगा कि हम उसको अवॉइड करके प्लांट रिलेटेड चीजें खाएं? सर उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि पहला तो जो मिल्क को अवॉइड करने के लिए आपका ऑप्शन है वो है कोकोनट मिल्क. दैट इज अगेन अ प्लांट फूड और कोकोनट को आप इजीली ग्राइंड करके उसका मिल्क निकाल सकते हैं और उसे कंज्यूम कर सकते हैं. बहुत ही हेल्दी होता है आपके लिए. और अगर प्लांट फूड को आप लाइक किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं. एलमंड्स अगेन आप एलमंड्स भी ले सकते हैं, उसका भी आप जो है मिल्क निकाल सकते हैं. तो ये सब चीजें हैं आपके मिल्क को चेंज करने के लिए. लाइक एनिमल मिल्क ना लेके आप इस तरह से मूव कर सकते हैं. एंड सेकंड जो है आप फाइबर सॉरी जो वेजिटेबल्स हैं उसे आप ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करें तो आप जो है इस तरह से प्लांट फूड ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम कर पाएंगे. हम ड्राई फ्रूट किस टाइम खाना चाहिए प्रॉपर? मतलब एक तो सुबह हम ड्राई फ्राई रहते कर देना. सर ड्राई फ्रूट्स को कंज्यूम अगर आपको करना है तो या तो आप अर्ली मॉर्निंग उसे लेंगे या फिर आप इवनिंग में उसे लेंगे. एंड सेकंड आपको जब भी ड्राई फ्रूट्स लेना है तो उसे सोक करके लेना है, ओवरनाइट सोक करके. चाहे वो आप एलमंड्स ले रहे हैं, चाहे वो आप आपका जो अखरोट बादाम कुछ भी आप ले रहे हैं, यू हैव टू फर्स्ट सोक इट ओवरनाइट, देन ओनली यू कैन कंज्यूम इट. एंड ऑलमोस्ट आपको ये भी चीज मैं बता देती हूँ कि एटलीस्ट 10 पीसेज ऑफ एलमंड्स यू हैव टू इनटेक
हमें अब एक चीज मैं आपको बताती हूँ, जैसे ऑरेंजेस हैं, आपको पता है आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है विटामिन सी, राइट? तो एक पर्सन है जो कि 2 ऑरेंज खा रहा है और एक है जो 4 खा रहा है, तो व्हाट डू यू थिंक कि किसको ज्यादा विटामिन सी मिलेगा? प्लीज आंसर। बाहर से देखें तो 8 वाले को ही मिलेगा ज्यादा। नहीं, जो 2 ले रहा है और जो 2 की बजाय जो 4 ले रहा है, तो किसे दो ले रहा है मिलेगा? जो 2 ले रहा है शायद। रीजन बताइए मैम। रीजन मैम वो डाइजेस्ट अच्छे से हो पाएगा, मेबी बॉडी के रिक्वायरमेंट, बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए ना पूरी ओवरडोज ऑफ एनीथिंग इज मतलब हार्मफुल। यस सर, एक्चुअली क्या होता है कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कितना कंज्यूम करेगा उस चीज को। उसी तरह से जैसे कि आप अगर 4 ऑरेंज खा रहे हैं तो आप ये मत सोचिएगा कि हाँ मैंने बहुत हेल्दी फूड खा लिया है और मेरे को बहुत सारा विटामिन सी मिल गया है। तो जो 2 ले रहा है, शायद हो सकता है कि उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट अगर 2 ऑरेंजेस की है तो वही यूटिलाइज होगा, तो 4 जो है आपका बॉडी में यूटिलाइज नहीं होगा और वो बाईपास हो जाएगा, राइट? तो इसी तरह से मिल्क को भी मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी बॉडी जो है वो उतना ही यूटिलाइज करती है जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होती है, ना ही हमें उसे कम लेना है ना ही हमें उसे ज्यादा लेना है। तो एक जनरल आपका क्राइटेरिया यही है कि आपका जो बॉडी वेट है उसी के हिसाब से आप जो है अपना फूड कंज्यूम करें, राइट? कि अगर आपका 70 केजी वेट है तो ऑलमोस्ट 700 ग्राम्स आपको फ्रूट आपकी बॉडी के लिए चाहिए ही चाहिए पूरे दिन में। तो इसी तरह मिल्क का भी पार्ट आता है। फ्रूट में मैंगो जिस तरह वाटरमेलन है तो क्या वो मतलब डेफिनेटली बिल्कुल आप ले सकते हैं, पेशेंट है वो खा सकते हैं इजीली? बहुत इजीली खा सकते हैं सर। मैंने जैसे कि आपको बताया फ्रक्टोज जो है हमारी बॉडी को कभी नुकसान नहीं करता। फ्रक्टोज इज अ फ्रूट शुगर। आप कभी भी देखेंगे हमारा जो डायबिटीज लेवल इंक्रीज होता है दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ ग्लूकोज, नॉट बिकॉज ऑफ फ्रक्टोज। आप कभी भी इस चीज को चेक भी कर सकते हैं, कहीं से भी आपको अगर फ्रक्टोज शुगर मिले यू कैन चेक इट विद अ स्ट्रिप ऑफ, अगर आपके पास में वो ब्लड शुगर चेक करने की मशीन हो घर में, आप इसे कभी भी एक्सपेरिमेंटली भी आप चेक करके देखें, फ्रक्टोज शुगर लेके आए, फ्रक्टोज को आप उस स्ट्रिप पे डालेंगे तो आपका जो शुगर लेवल है वो हाई नहीं दिखाई देगा, राइट? अगर आप ग्लूकोज डालेंगे तो उसकी वजह से आपका शुगर लेवल एकदम से शूट अप करता है। तो हमें जो नुकसान करता है दैट इज अ ग्लूकोज नॉट फ्रक्टोज। तो आपको जो फ्रूट्स कंज्यूम करने हैं तो आपको उसके लिए बिल्कुल नहीं सोचना पड़ेगा कि आपको मैंगो लेना है, आपका फ्रूट सीजनल होना चाहिए। और अगेन 32 टाइम्स आपको च्यू करना है अपने फूड को ताकि बॉडी को डाइजेस्ट करने में हेल्प हो सके। हमें बाकी सिस्टम को इतना ज्यादा वर्क नहीं करने देना है, अगर आप माउथ में उसे च्यू करते हैं फूड को ज्यादा तो बॉडी बहुत इजीली उसे डाइजेस्ट कर लेती है, क्योंकि हमारा जो सलाइवा होता है उसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। जी आपने बताया कि 8 बजे तक खाना खा लेना चाहिए, बट हमारा मैम वर्किंग स्टाइल इतना रहता है कि हम 12-12 बजे तक जागते रहते हैं, तो इन बिटवीन हम क्या खाएं? 8 बजे के बाद भूख लग जाती है जी, 10 बजे 11 बजे उस टाइम हम क्या खाएं? सर अगेन आपको अगर लगता है कि आपको भूख लग जाती है तो आप जो है ड्राई फ्रूट्स कंज्यूम कर सकते हो, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट बहुत ही हेल्दी होते हैं, यू कैन इवन टेक फ्रूट्स ऑल्सो, तो वो भी ले सकते हैं। तो इट्स नॉट अ थिंग कि आपको भूख ज्यादा लगती है या फिर लेट नाइट तक आप जागते हैं तो अगेन आपको सॉलिड मील ही कंज्यूम करना है, उसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इवन आप जो है डाइट नमकीन अपने पास रख सकते हैं तो वो भी आप खा सकते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू वेलकम सर। यू आर वेलकम मैम। एनीथिंग एल्स, एनी क्वेरी यू वांट टू आस्क अबाउट एक्सरसाइज? हेलो जी जी बोलिए। यस सर। मैम इसका जैसे डायबिटिक का अर्ली सिम्टम क्या होता है कि पता चल जाए अर्ली कि होने वाली है, उससे पहले ही हम प्रिवेंशन कर सकें, कुछ ऐसा खाएं या फिर कुछ अवॉइड करें जैसे चाय पीते हैं, क्या चीज अवॉइड करें कि होने से पहले बच सकें उससे? सर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो डायबिटीज जब आपको होती है तो आपका जो यूरिन है वो आपका यूरिनेशन जो है बहुत ही फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होने लगता है, आपको प्यास बहुत ज्यादा लगने लगती है, आपको थोड़ा एंग्जाइटी और थकान महसूस होने लगती है, जब भी आप काम करेंगे तो थोड़ा सा काम करके आप थक जाएंगे, आपको लेग पेन बहुत ज्यादा रहने लगेगा, राइट? तो इसीलिए ये थोड़े छोटे छोटे छोटी सी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है।
और आपको जो है भूख भी बार बार लगती है उसमें, तो फिर उसको मतलब प्रिवेंशन के लिए फिर क्या करें उसी टाइम, जस्ट टाइम हमें आइडिया लगता है कि मे बी पॉसिबल है, हो सकता है राइट. तो आपको इसी ये जो मैंने आपको भी डाइट्स बताए हैं, जो मॉडिफिकेशंस बताए हैं, वो आपको अपनी डाइट में ऐड ऑन करने हैं सर. अगर आप, हाँ, दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग जो कि आप इजीली कर सकते हो. अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है और वो इन सब चीजों को 21 डेज भी फॉलो कर लेता है, देन यू कैन सी अ ड्रास्टिक चेंजेस कि उनका जो डायबिटीज है वो अंडर कंट्रोल भी होगा. इवन अगर वो इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट भी है तो मैं चैलेंज करती हूँ कि वो इजीली इंसुलिन फ्री हो जाएगा. पर मैडम जो रूटीन में एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, मान लो रनिंग वगैरह करते हैं, तो जैसे वो मिल्क अगर लेते हैं तो कोई इश्यू रहता है उसके साथ भी? नहीं सर, दो चीजें इंपॉर्टेंट है जैसे मैंने बताया, एक प्रॉपर वर्कआउट जिसमें आप रनिंग कर रहे हो. रनिंग डिपेंड्स कि कितना कर रहे हो, जस्ट अपना मेटाबॉलिक रेट हाई करने के लिए 15 मिनट्स अगर आपने रनिंग की है और आप सोचे कि आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर लेगी, तो ऐसा नहीं होता सर. यू नीड एटलीस्ट 40 मिनट्स टू 1 आवर वर्कआउट ऑलमोस्ट इन अ डे. और सेकेंड पॉइंट है आपका सनलाइट. सनलाइट की भी आपको उतनी ही रिक्वायरमेंट होती है ताकि आपको वाइटामिन डी मिल सके, ठीक है. और अर्ली मॉर्निंग की सनलाइट सबसे इम्पोर्टेंट है, तभी आपकी बॉडी अगेन वो एंजाइम्स क्रिएट करना शुरू करेगी, बनाना शुरू करेगी, जो कि अभी आपकी बॉडी लूज कर चुकी है, तभी आप उस फूड को जो एनिमल फूड है उसे डाइजेस्ट कर पाते हैं. ओके मैम, थैंक यू. यू वेलकम सर. मैम नॉर्मली ये भी कहा जाता है कि लिक्विड कम लेना चाहिए शुगर पेशेंट को या जिसको शुगर है, तो उसमें मतलब जूस भी लिक्विड में आता है ना? बिल्कुल आता है सर. ये मिथ है कि लिक्विड्स हमें कम लेने चाहिए. वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा यूरिनेशन का प्रॉब्लम रहता है, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन का प्रॉब्लम रहता है जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उन्हें. तो इसीलिए सब लोग सोचते हैं कि नहीं, अगर हम पानी कम पिएंगे तो हमें यूरिनेट नहीं करना पड़ेगा बार बार, रात को इवन उन्हें 4-4, 5-5 बार उठ के जाना पड़ता है. तो इसीलिए वो लोग सोचते हैं कि हमें वाटर इनटेक कम करना है अपना. बट इट इज़ वेरी बैड कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि उस चीज़ के साथ उसका कोई लिंक नहीं है. इवन आपका वाटर इनटेक कम हो जाएगा तो आप डिहाइड्रेटेड फील करोगे, इवन कई बार होता है कि आप चौक भी हो जाते हो. तो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है अपना वाटर इनटेक ऑलमोस्ट 12-13 glasses ऑफ वाटर इन अ डे यू हैव टू कंज्यूम. ओके मैम जी. एंड लिक्विड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपकी बॉडी को रिहाइड्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. लिक्विड्स आपकी बॉडी में बहुत जल्दी डाइजेस्ट भी होता है, आपकी बॉडी को हाइड्रेट भी करता है, और न्यूट्रिशन जो है बहुत इजीली और जल्दी आपकी बॉडी के पार्ट्स तक सप्लाई होता है. और क्वेश्चन, एक मैम ये भी कहते हैं कि पानी तो जितना हो सकता है ज्यादा पियो, तो जब ज्यादा पिएंगे तो यूरिन भी ज्यादा पास होगा, तो उसका तो कोई ऐसा अर्ली शिफ्ट उसका कैसे आइडिया लगेगा? आप कह रहे हो यूरिन अगर बार बार आता है तो हो सकता है रैपिड को होने वाली है या नहीं. यूरिनेशन का भी एक टाइम होता है, जैसे कि अगर आपको नाइट में यूरिनेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आपको हो रहा है नाइट में, तो दैट इज अ बेसिक सिम्टम ऑफ योर यू नो अर्ली स्टेज डायबिटीज. ओके मैम, थैंक यू जी. और कोई क्वेश्चन हो किसी का? अगेन आपका जो डाइट है उसके साथ में एक्सरसाइज पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए. तो आपको जो है खाना खाने से पहले भी, मैं आपको एक चीज ऐड ऑन कर देती हूँ कि खाना खाने से पहले भी जो है आप 15-20 मिनट्स का जो है अपने घर में ही चाहे से वॉक कर सकते हैं, थोड़ा सा टहलेंगे, तो उससे क्या होता है बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, मेटाबॉलिक रेट हाई हो जाता है. अगेन आपको जो है मॉर्निंग में क्लैपिंग करना है अच्छे से काफी, तो इससे भी आपकी बॉडी जो है वो एक्टिव हो जाती है, आपका मेटाबॉलिक रेट हाई हो जाता है. तो बेसिक रिक्वायरमेंट हमारी डायबिटिक पेशेंट्स के लिए यही है कि उन्हें अपना मेटाबॉलिक रेट हाई रखना है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा शुगर को यूटिलाइज कर सके. जितना ज्यादा शुगर आपकी बॉडी में यूटिलाइज होगा वो ब्लड में उतना ही कम स्टोर करेगा और आपके बॉडी पार्ट्स को हर्ट नहीं करेगा. मैम शुगर में वेट लॉस क्यों होता है? मैम काफी देखा जाता है कि वेट लूज हो जाता है हमारा. सर इट इज ऑल अबाउट योर मैकेनिज्म ऑफ योर बॉडी. जब आपको शुगर होती है तो उसके साथ साथ में आपका जो जो फैट है, बॉडी फैट है, वो भी आपका कम होता जाता है.
तो आपकी जो डाइट है वो भी मॉडिफिकेशंस होने लगते हैं आप देखेंगे, और आपका जो बॉडी के अंदर जो सिस्टम है वो चेंज होने लगता है धीरे धीरे। तो जब आपकी भूख अजीब सी हो जाती है और आपका जो बॉडी है वर्क नहीं करता है या फिर सिस्टम्स हैं प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं, तो आपकी बॉडी डेफिनेटली वेट लूज करती है। इवन बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो कि बॉडी गेन भी करते हैं इसमें। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर मैकेनिज्म ऑफ बॉडी, इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल कि आप डायबिटीज में वेट लूज ही करते हैं। बहुत सारे मेरे पास में, इवन व्हेन आई वाज इन वीएलसीसी, तो मेरे पास में बहुत सारे पेशेंट्स आते थे जो कि डायबिटिक होते थे, जिनको थायराइड होता था और उनका बॉडी वेट बहुत ज्यादा होता था, स्पेशल कंसर्न होता था उनका बॉडी वेट लूज करने के लिए। तो इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल। और कोई क्वेश्चन किसी का? भूषण जी आप अपना ऑन करिएगा, आप म्यूट पे हैं, आप अगर कुछ पूछना चाह रहे हैं मुझे लग रहा है आप। नहीं सर मैं वैसे ही बोल रहा था घर पे। अच्छा अच्छा ठीक है। एनीथिंग एल्स रिलेटेड टू एक्सरसाइज पार्ट इफ यू वांट टू आस्क। एक्सरसाइज मैम सुबह ही करनी जरूरी है, हम किसी भी टाइम कर सकते हैं वो तो। या डेफिनेटली आप कभी भी कर सकते हैं, बट आपका जो मील जो आप ले रहे हैं उसे 2 आवर्स का आपका गैप होना चाहिए। ओके आफ्टर टेकिंग मील। वो भी डिपेंड करते हैं आप किस तरह का वर्कआउट कर रहे हैं। अगर आप बहुत ही लाइट नॉर्मल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं या फिर आप सिटिंग पोजीशन में बैठ के कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, सिर्फ हैंड मूवमेंट्स हैं, एब्डोमिनल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो आप वो कभी भी कर सकते हैं जी। ओके मैम शुगर की जो मेडिसिन है वो जैसे आपने बताया वैसे हम फॉलो करें तो कैसे पता लगेगा कि शुगर की मेडिसिन आगे लेनी है नहीं लेनी? ये तो हिंदी में है ना, तो वो तो आप शुगर लेवल अपना चेक कर सकते हैं ना। जैसे कि अगर आपका जनरली जो बताए जाते हैं पैरामीटर्स जो हमारे WHO ने दिए हैं वो बहुत ही फ्रिक्वेंटली चेंज हुए हैं शुगर की। अगर मैं आपको ये चीज बताऊँ थोड़ा डीप में, तो अभी जो शुगर बताया जाता है कि आपका जो है 120 होना चाहिए आफ्टर मील, जिसको हम PP बोलते हैं, और 80 के आसपास जो है आपका होना चाहिए, दैट इज फास्टिंग। बट एक्चुअली अगर आपका 150 फास्टिंग शुगर है, बिलो 150, तो दैट इज अ नॉर्मल रेंज ऑफ शुगर, समझे आप? तो 150 से नीचे, यस सर, आफ्टर फास्टिंग मैडम कितना होना चाहिए? आफ्टर फास्टिंग 150 से नीचे, नीचे फास्टिंग अगर है तो 150 से नीचे होना चाहिए। और जो पीपी है जो कि आफ्टर मील लेते हैं हम 2 आवर्स के बाद में, वो आपका 200 से नीचे होना चाहिए, 150 टू 200 ऑन एन एवरेज आपका 200 होना चाहिए पीपी। वो यस सर दिस इज नॉर्मल। ये सब चीजें जो है एक जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनकी और साथ में जो WHO है उनके साथ में मिलकर के ये चीजें बनाई गई हैं, जो लेवल्स हैं ये क्रिएट किए गए हैं। बट यहाँ पे कोई ऐसी स्टडी नहीं है जो कि आपको बताती है कि एक स्टैंडर्ड ये है आपका। मैडम ये मेडिकल एडवाइजर तो कहते हैं 100 to 220 होनी चाहिए शुगर ड्रॉप, वो इसलिए बोलते हैं ना, वो सर वो इसलिए बोला जाता है ना ताकि आप मेडिसिन ले, उनका धंधा थोड़ी ना बंद करना है हमें। तो हमें धंधा बंद नहीं है, ये नुकसान तो करती है मेडिसिन, बिल्कुल नुकसान करती है। तो वो आपके अच्छे के लिए थोड़ी ना सोच रहे हैं सर, उन्हें तो अपना मेडिसिन बेचना है। ये जो मेडिसिन आप ले रहे हैं सर ये आपकी बॉडी को बहुत बुरे से हार्मफुल रिजल्ट्स दे रही है, तो इसको आपके सिस्टम्स को डैमेज करती है। जैसा WHO है इसके सिस्टम के हिसाब से हम चले मान लो तो मेडिसिन छोड़ दे सकते हैं सर? मैं समझी नहीं क्या बोल रहे हैं। मतलब हम ये कह रहे हैं कि भाई जो आपने अभी शुगर लेवल्स बताए तो ये शुगर लेवल वीकली चेक करने चाहिए या रोज ही चेक करें? नहीं सर आप रोज चेक नहीं करेंगे, आपको वीकली चेक करना चाहिए। आप एक वीक के लिए आप पहले अपना डाइट फॉलो करो, बिफोर एंड आफ्टर लेना है। उसमें भी आपको क्या करना है कि दिन में 3 बार आपको जो है अपना शुगर चेक करना है। जैसे एक सबसे पहले आप मॉर्निंग फास्टिंग चेक कीजिए, उसके बाद में आप जो है एक अपना पीपी ले लीजिए, और एक जो नाइट में आप मील लेने के बाद है अपना रैंडम जो है वो एक चेक कर सकते हैं। तो इससे आप तो दिस इज अ प्रॉपर वे कि आप जो है एक अपना शुगर मैनेज करना चाहते हैं अगर, तो ये 3 रीडिंग्स आप अपने पास लिख के रखिए कि जो इस टाइम पे मैंने जो है 1 वीक बिफोर ये 3 रीडिंग्स मैंने लिए थे,
और आफ्टर अ वीक अगेन आप इन्हीं को चेक कीजिए, तो आप जब कंपैरिजन करेंगे यू कैन सी द रिजल्ट्स। फिर मैम 3 महीने वाला कब कराना चाहिए, जो 3 महीने वाला टेस्ट होता है? सर वो आपका तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको कभी शुगर रही है या नहीं है, आपको एक डाउट रहता है ना कि भाई मुझे शुगर तो नहीं है, तो आप जो है HbA1c जो कि आपका 3 मंथ्स का ऑन एन एवरेज देता है, तो आप वो चेक करा सकते हैं। उससे आपको पता चल जाएगा कि पीछे जो 3 महीने गए हैं उसमें भी आपको कुछ नहीं था, रिसेंटली भी आपको कुछ नहीं, तो आप एक मेंटली इस चीज को लेके एक पैनिक जो होता है दिमाग में रहता है पियर की नहीं मुझे शायद डायबिटीज है, तो उसे बाहर निकल सकते हैं। अदरवाइज भी जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो भी जिनको शुगर बहुत ज्यादा हाई रहती है वो भी अपना 3 मंथ्स का HbA1c टेस्ट कराते हैं ताकि उन्हें ऑन एन एवरेज पता चल जाए कि कितना उनका एवरेज शुगर रह रहा है, क्योंकि तो उन्हें पता है कि उनका शुगर लेवल हाई रहता है। और 20 टू 40 है तो ये लेवल होना चाहिए शुगर लेवल? नहीं सर, उसके लिए आपके लिए कोई अलग-अलग लेवल्स नहीं है। थैंक यू मैम। बस एक लास्ट, हाइपोथायराइड के लिए कुछ आप सजेस्ट करेंगे कि क्या फूड हैबिट्स या कोई दूसरी चीजें थायराइड के लिए? जो मैंने अभी आपको जो डाइट प्लान्स बताया है ना, जो डाइटरी मॉडिफिकेशंस बताई हैं, दिस इज फॉर योर होल बॉडी प्रॉब्लम्स। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल अलग से नहीं है कि अगर आप ये लेती हैं आप इवन देखेंगे कि आपका जो थायराइड लेवल है वो भी ड्रेस्टिकली इम्प्रूव होगा। ये जो डाइट है ये आपके हार्ट प्रॉब्लम्स जिन्हें हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। और क्योंकि ये क्या करता है, आपकी असेसरी कोरोनरी आर्टरीज जो होती है उसे ओपन कर देता है, जहाँ जैसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिन्हें हार्ट ब्लॉकेज है, 70-80% जिनकी आर्टरीज ब्लॉक्ड रहती है, तो उनको समझ में नहीं आता अभी हम क्या करें, और पेशेंट उन्हें जो डॉक्टर है उन्हें इतना ज्यादा डरा देते कि नहीं जी आपकी 80-90% ब्लॉकेज है और अभी आपको सर्जरी करानी है। तो अगर आप ये डाइट प्लान फॉलो करते हैं तो आप 3 डेज में इवन आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, और वो पेशेंट्स जो हैं जिनको हार्ट प्रॉब्लम्स हैं उनकी भी आर्टरीज जो एक्सेसरी आर्टरीज होती हैं जो कि बहुत लंबे टाइम से आपका काम नहीं कर रही है क्योंकि आपकी मेन आर्टरीज ओपन है, वो भी ओपन हो जाती हैं और उसकी वजह से आपका जो हर्ट है वो इजीली मैनेज हो जाता है। और थायराइड एंड ऑल ये तो बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आप इजीली मैनेज कर सकते हो अपने डाइट मॉडिफिकेशन के साथ। थैंक यू मैम। आई थिंक अब क्वेश्चन तो और नहीं है, चैट में भी कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हाँ जी हाँ जी, बहुत ही अच्छा डेलीवरेशन दिया मैडम आपने और बहुत अच्छे से शुगर के बारे में भी, डायबिटिक पेशेंट्स के बारे में भी, और जो अपने एक्सरसाइजेस के बारे में, नेक पेन बैक पेन के बारे में मेंबर्स को गाइड किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं आई वुड लाइक टू इनवाइट चेयर राजदीप चौहान जी, ट्रेजर ऑफ द ब्रांच। हैंड ओवर टू राजदीप। गुड इवनिंग एवरीवन, आई राजदीप चौहान हियर टू प्रेजेंट चार ब्रांच ऑफ NIRC ऑफ ICI। I would like to thank our today webinar chief guest in absentia CA Avinash Gupta ji, chairman NIRC of ICI, for giving us their precious time. I would like to thank our today speaker Dr. Nidhi Bansal for enlightening us with their knowledge. Today webinar was full of knowledge and interesting things. It gave deep knowledge regarding today topic, health is wealth, and also reveals some interesting facts. Once again, I heartily thanks to Dr. Nidhi Bansal ji. Thank you, ma'am. Thanks to all for joining us. Thank you so much, sir. Thanks, madam. अब एक announcement है members के लिए, branch के members के लिए। कल का सुबह का morning का session same time पे रहेगा, 6:30 to 7:30। Madam अंकिता सक्सेना होंगी कल हमारे साथ। और शाम को एक सेशन और होगा 6:30 to 7:30 तक, उसमें दीपिका जी होंगी जो डाइटिशियन है, वो हमारे साथ जुड़ेंगी और डाइटिशियन अपनी न्यूट्रिशन डाइट्स के बारे में वो गाइड करेंगी। तो मैं मेंबर्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अधिक से अधिक जुड़ें। अब लॉकडाउन में ये जो सीरीज हमने शुरू करी है ब्रांच की तरफ से, बारी बारी जो मेंबर्स को मैसेज भेजते हैं, इसके पीछे मैं बताना चाह रहा हूँ मुख्य उद्देश्य ये है कि जो स्ट्रेसफुल टाइम है
उस स्ट्रेसफुल टाइम में हम सब मेंबर्स को इतना जोड़े रखना चाहते हैं कि नेगेटिव चीजों की तरफ उनका ध्यान ना जाए, और हम सब मेंबर्स एक्सरसाइज करेंगे, वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, एक्सरसाइज का हो सकता है, डॉक्टर एडवाइस हो सकती है, जो इस टाइम पे सबसे बेस्ट है। तो मैं सब मेंबर से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो सारे प्रोग्राम्स, आप अगर यूट्यूब का लिंक भी हम शेयर करते हैं वो भी देखोगे, या लाइव आकर जुड़कर की देखोगे, जैसा आज का प्रोग्राम जितना अच्छा हुआ है वैसे सारे प्रोग्राम अच्छे होते हैं। तो उसमें जो स्पीकर्स होते हैं या आपकी जो ब्रांच की कमेटी है, जितने मैक्सिमम अटेंडी जुड़ते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है और स्पीकर को भी मोटिवेशन मिलता है। तो मैं देख रहा हूँ कि 20 से 25 हमारे जो रेगुलर अटेंडीज हैं वो तो आ ही रहे हैं। इसके अलावा मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा जो रेगुलर अटेंडीज हैं कि वो अन्य मेंबर्स को भी जोड़ने का प्रयास करें, अपने जो भी ग्रुप के मेंबर्स हैं, CISR के मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, तो प्लीज जो ये हमारा वीक चल रहा है हेल्थ इज वेल्थ, इस वीक में मैक्सिमम बेनिफिट लें और नेगेटिविटी से बचें, इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट ये होगा। नहीं तो हम हमारा एक घंटा और कहीं लगाएंगे, फेसबुक देखेंगे, व्हाट्सएप देखेंगे, और वहां पे मोस्टली क्या है कि ये वक्त खराब है, बाहर COVID-19 बहुत ज्यादा है, तो उसमें हमें नेगेटिव न्यूज देखने को ज्यादा मिलती है जिससे हमारे ऊपर उसका नेगेटिव असर आता है। तो ये एक ब्रांच की तरफ से हमारा चल रहा है, कोशिश जारी है। तो मैं आप सबसे फोल्डेड हैंड रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको मैक्सिमम इसका बेनिफिट लें। थैंक यू सो मच। एंड भारती सर कुछ कहना चाह रहे हैं, चेयरमैन मैम का बहुत बहुत धन्यवाद, मैम ने टाइम दिया और शुगर के बारे में, डायबिटीज के बारे में और जो पोस्चर्स के बारे में मैम ने बताया, उससे आशा करता हूँ सभी मेंबर्स को काफी लाभ मिलेगा। आज का सेशन बहुत ही फ्रूटफुल था, बहुत ही नॉलेजेबल था मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपका आपका स्पीक माइक हो, हाँ म्यूट हो गया, आपका म्यूट हो गया मैम, आवाज नहीं आ रही मैम आपका म्यूट आप म्यूट हो गए। हाँ आई थिंक अभी थैंक यू सो मच सर, आप लोगों ने भी बहुत अच्छे से सुना। इवन मुझे सबसे अच्छी चीज लगी कि आपने इतनी क्वेरीज मेरे सामने रखी तो मैं इजीली आपकी क्वेरीज को आंसर कर पाई। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम कुछ चीज ले रहे हैं तो हम उसके बारे में पूरी तरह से नॉलेज ले सकें, जान सकें। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है देन यू कैन इजीली आस्क मी अगेन, दिस इज माई प्लेजर टू। सेशन के टाइम को देख के लग सकता है एक घंटे का सेशन था, पौने दो घंटे हो चुके हैं, तो ऑटोमेटिकली ये लग सकता है सेशन अच्छा जा रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स।